Thank you.
सखी कर जन प्रभजन्यतमनुकेतमपेतकृत्यम्
ग्रहकाकर आय भाव पुत्रे तन्मयतयातरवो सर्वभूत हृदय मुनिमान नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को भी जथा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे ये श्रीमद् भागवत कथा की महात्मा। हमारे संत लोग कहते हैं अगर किसी ग्रंथ को महिमा समझना चाहते हो वो ग्रंथ को ऊपर में चार दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। कितना दृष्टिकोण से? चार। क्या क्या है? पहला नंबर है ये कथा कौन सुन सकता है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं साधारण व्यक्ति कथा नहीं सुन सकते। बोले जन्मांतरे भवे तो पुण्यम तथा भागवत लगता। कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का जो कोई पुण्य उदय हो तभी ये कथा को कोई सुन सकते हैं। अगर कोई बोले भैया हम तो बहुत बड़े पापी हैं पर ये कथा क्या हम सुन सकते हैं। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे धुंधुकर की कथा। वो इतना बड़ा पापी था, इतने बड़े पापी, जब उनका नाम पर गया मैं पिंड दिया तभी देखा प्रेत बन करके बैठा हुआ। बोले तेरे उधार क्यों नहीं हुआ भैया मैं पिंड दे दिया। बोले भैया मैंने इतना इतना पाप किया मेरे नाम पर अगर 100 बार भी पिंड दोगे ना मेरे उधार नहीं होगा। लेकिन भगवान का वरदान है कोई मरने का बाद गया जाए वहां पर ठाकुर का चरण छा जाए उसको ऊपर में पिंड दो जरूर उसको मुक्ति मिलती है। लेकिन ये इतना बड़ा पापी था कहता है मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे मेरी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन उसको मुक्ति कैसे मिली? बोले भागवत कथा से। बोले मतलब क्या है? बोले आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, आओ और भागवत कथा में बैठ गए। केवल भागवत कथा में बैठ गए कथा ही सुन लो। कथा सुनते 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 आप जीवन मुक्त हो जाओगे, जीवित अवस्था में भी आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे। इसलिए कथा को कौन सुन सकता है? कहते ज्ञानी से ज्ञानी, कहते पापी से पापी भी सुन सकता है कथा को, और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा भी कथा सुन सकता है। अगर कोई बोले अरे सुनी सुनाई कथा को कितना सुना जाए, हम तो बहुत बार सुन लिया, हर साल में दो दो बार हो रही कथा है। इसलिए फिर ये कथा को हम कितने सुनते रहे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले कृष्ण कथा जय सुना का सुना राम कथा
इसका मतलब है रस क्या चीज है ना है? कहते रस कहते हैं इसको किसी विषय में उसको बताई नहीं है। पिछले भागवत में कथा आती है पृथ्वी महाराज ये भगवान की सत्यावेशा बता रहे। जब भगवान इनको पूछे बेटा बताओ तेरे को क्या चाहिए, बोले ठाकुर जी मेरे को 10,000 काम का। कितना काम दे दो? बोले 10,000 काम, दो काम तो बढ़िया लग रहा है। अगर यहाँ पर दो काम हो जाए, यहाँ पर सारा शरीर में अगर तुम्हारी कान ही काम हो जाए अच्छी लगेगी? बताओ अच्छी लगेगी क्या? नहीं, दो काम तो बढ़िया लग रहा है। बोले तू चाहते क्या सारा शरीर में तेरी कान ही काम हो जाए? बोले नहीं करूँ। बोले फिर? बोले कान तो दो ही रहे लेकिन ये दोनों कानों में कथा सुनने का इतने शक्ति दे दो जैसे 10,000 कानों में जितने शक्ति। मतलब तेरी कथा हम सुनते ही रहे, सुनते ही तेरी कथा रहे। दूसरा तात्पर्य है जैसे यहाँ पर भागवत कथा हो रही है भैया और भी तो नहीं कथा होती होगी ना, पर जहाँ जहाँ कथा होती है मैं चाहता हूँ उतना रूप लेकर के सब जगह में जाऊँ और तेरी कथा जैसे हमसे चूक नहीं जाए है, तेरी कथा हनुमान जैसे बन जाए। बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तन, अगर करोड़ जगह पर राम की कथा होगी ना हनुमान जी कर्ण रूप को धारण करते हुए हनुमान जी जाकर के कथा सुनाएंगे हनुमान जी हैं। इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं? बोले पापी से पापी भी सुन सकते हैं और ज्ञानी से ज्ञानी भी कथा सुन सकते हैं। अरे नवीन को अभी इधर आ जा, यहां आ जा, ठीक इधर से आ जा, इधर आ जा। इसलिए कथा सब सुन सकते हैं कथा के लिए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुश्रुषुभी तत्क्षणा, कहते कथा कौन सुन सकते हैं? कहते कथा वही सुन सकते हैं जो सुश्रुषुभी, मतलब जो पुण्यात्मा वही कथा सुन सकते हैं। बोले हम तो पुण्यात्मा है ही नहीं, कथा के नहीं सुन सकते। बोले आओ बैठ जाओ, आ करके केवल कथा में बैठ जाओ और कथा सुनते 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 अपने आप तो पुण्यात्मा बन जाओ, अपने आप बन जाओगे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन नेह विक्रम नास्ति प्रत्यवायन विद्यते सल्पम मपस्य धर्मस्य प्रायते महत्वया। ठाकुर जी के लिए अगर थोड़ी सी कोई अनजान में भी आपको पता नहीं कथा पता होती ही क्या, पता ही नहीं अचानक कैसा अगर तुम कथा में बैठ गए, अचानक तुम कथा में बैठ गए बस बस उसको द्वारा ही तुम्हारी जीवन कल्याण हो जाएगी। देखो छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, कल सबको पूछूंगा देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है, ठीक है। बल हमारी गुरु जी कथा सुनाया करते थे। बल एक समय को एक फेरी वाला था, पहले गांव गांव में घूमता था, काम करता था, सब बेचता था सर पर लेकर के। अभी भ्रमण करते करते बड़े दूर गांव से चला गया, देखा आज मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, आज इसी गाँव में ही रुक जाता है। पूछे भैया रात को कहीं रुकने का व्यवस्था है? बोले हाँ, पहले हर गांव गांव में मंदिर होता था, लोग जाते थे वहां पर कीर्तन करते थे, वहां पर सत्संग होते थे। बोले यहाँ रुक सकते हो? जब उसने वहां रुकने के लिए गया, वहां का नियम था शाम को सबके सब लोग एकत्रित होते थे और मजीरा ढोलकी लेकर कीर्तन करते थे। जब उसने सोने के लिए जा रहा था लोग आकर वहां पर तो कीर्तन करना शुरू कर दिया। उसकी इच्छा नहीं रहने पर भी उसको मजबूरी में थोड़ी सी हाथ में ताली बजाते हुए बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय
जब सब कीर्तन कर रहे हैं उसको मजबूरी में थोड़ा ताली बजा कर उन्हें कीर्तन करना पड़ा। फिर देखा एक संत बैठ करके बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी ठाकुर को कथा सुनाने लग गया। कृष्ण कैसे घर घर में मक्खन चोरी करती हैं, गोपियां कैसे उलाहना देती है मैया यशोदा को, बोले यशोदे लगता है ये व्रत छोड़कर और कहीं जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले तेरे लाला हमारी घर में मक्खन चोरी करता है। मैया ने कहा एक काम करियो, मेरे लाला अंधकार को बड़ा डरता है, अंधकार में रख दिया करो। बोले सो भी करके देख लिया। बोले फिर? बोले लाला का शरीर में तो जो हीरे जवाहरात पहनाते हो वो अंदर में घुसते ही अपने आप उजाला हो जाता है। बोले उसको निकाल दो, बोले तेरी सौगंध हाथ मत लगाई। बोले एक काम करियो, मेरे लाला छोटो सो है, मेरे लाला छोटो सो है, छिके को पर रख लो। बोले वो भी करके देख लिया। बोले फिर? घर में कोई सीढ़ी झीना बना कर रखे हो? बोले बनाने का जरूरत नहीं, परमात्मा तेरे लाला को इतनी दिमागदार बनाए खुद बना लेते हैं। बोले कैसे? बोले दाओ भैया बड़े मोटो सो, उसको नीचे बैठा लेते हैं, उसको ऊपर में श्रीदाम, उसको ऊपर मधुमंगल, खुद ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ करके उतार देता है। बोले और थोड़ा ऊपर में रख लो। बोले सो भी करके देख लिया। बोले फिर? बोले हाथ में डंडा लेते हैं। बोले एक काम करियो, नीचे खाली मटकी रखना, ऊपर में खाली मटकी रखो, जो बीच में माल रखना। पहले मिट्टी का पात्र होता था और जिसमें माल होगा ना वो गीला गीला दिखता है, वो डंडा लेकर के इसे मारते हैं। जो खाली होगा उसमें तो आवाज होगी और जो खाली नहीं होगा वो आवाज नहीं होगी, उससे पता चलता माल किसमें है। बस उसको ही डंडा मार करके फोड़ देते हैं और नीचे बैठ करके ना एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं देते, सबके सब सत्ता लेते। भैया ने कहा एक काम करियो, मेरे लाला जितने तुम्हारी घर में बर्बाद करता है ना मेरे से डबल डबल ले जा। भैया तेरी कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं है, शिकायत क्यों करने जाती है? शिकायत करने नहीं। सुनाई कितना समय कथा सुनाए? उन्होंने एक घंटा तक कथा सुनाए। अभी उसकी भी कथा सुनने में मन नहीं, मन किसमें है, नींद लग रहा है, लेकिन मजबूरी में बैठ करके ना दीवार में सहारा देकर एक घंटा कथा सुना। कथा समाप्त हो गया, सब चले गए। बोले भैया चैन मिला है, सो गया। कुछ दिन बाद में उसकी मृत्यु हुई। अब जमदूत उनको पकड़ करके ले गए। जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाए, चित्रगुप्त जानते हो मतलब क्या है? बताओ चित्रगुप्त किसको कहते हैं? चित्र मतलब होता है फोटो लेना, गुप्त मतलब होता है छुपा करके। अगर कोई सोचे हम तो 10 तला बिल्डिंग के ऊपर में दरवाजा बंद करके कुछ कर रहा है, यहाँ पर थोड़ी कोई दिख रहा है। बोले नहीं, दिन में ये सूर्य का किरण सब जगह में, वो सूर्य का किरण उसके साथी है, रात में ये चंद्रमा सब जगह में, और ये 10 दिशाएं जो होती हैं वो सबके सब साथी हैं। जो कुछ जीवन में हम कर रहे हैं वो सारे को सारे फटो खींच रहा है। मरने के बाद सब कुछ कापी निकलेगा, हमने कितना कर्म किया, क्या कर्म किया है। चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, कितने पाप और उसने कितने पुण्य किया। बोले महाराज जी ये तो झूठ मूठ करके अपना पैसा है माल बेच करके जीवन निर्वाह करता था, इसने कभी भी अच्छे जगह पर कुछ दान पुण्य नहीं किया, केवल झूठ बेईमानी जिंदगी में किया। जब महाराज बोले सही सही देखो थोड़ी बहुत पुण्य तो होगा। बोले हाँ, ये फेरी का काम करते करते किसी गांव में पड़ रहा, किसी मंदिर में जब विश्राम करने जा रहा था, वो मंदिर में कीर्तन हो रही थी और एक संत ने एक घंटा तक केवल कथा सुनाया, एक घंटा केवल इसका पुण्य और सब पाप ही पाप है। उसको बोले ये बताओ पहले तो पुण्य लोगे ना पाप लोगे? बोले भैया पाप तो नरक जाना ही है, हमने सुना पुण्य कहाँ जाना पड़ेगा? बोले स्वर्ग में, हमने सुना स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह है, हम एक बार घुमा लो देख लेता हूँ। बोले एक घंटा स्वर्ग के बोले जाओ, क्योंकि तुमने जब कथा सुनी श्रद्धा पूर्वक अगर तू कथा सुनता फिर तो तेरे को कोई विशेष फल मिल जाता, लेकिन तू मजबूर में ये कथा तुमने सुनी है, भक्ति पूर्वक तुमने कथा नहीं सुनी, एक घंटा तुमको स्वर्ग मिलेगा। बोले मेरे को स्वर्ग घुमा लो। अभी उसको स्वर्ग ले गए और वहां जो चौकीदार था बोले देखो ये हमारा आसामी, एक घंटा स्वर्ग घुमा करके वापस दे देने। जब उसने स्वर्ग गया क्या अद्भुत दृश्य देखा, यहाँ पर जो लाइट जल रही ना वह लाइट नहीं है, वहां पर तो हीरे जवाहरात रखा हुआ, उससे अपनी आप आलोक हो रहा था। वहां पर सुधर्मा सभा, पारिजात वृक्ष जो फूल कभी मुरझाता नहीं, हमारे जैसे ईंट पत्थर से सब बना हुआ, वहां सोने चांदी हीरे जवाहरात से बनी हुई है,
और वहां पर स्त्रियां कितना सुंदर, तुम्हें पता है कहते ये पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं कहते इनकी सुंदरता को एक कर लो, इनकी सुंदरता को एक कर लो, लेकिन स्वर्ग में जो रंभा उर्वशी मेनका होती है कहते सारे सुंदरता केवल एक स्त्री को साथ में बराबर कर सकता हूँ, ऐसे वहां पर सुंदरता है। उसको तो देख देख कर हैरान हो रहा था, लेकिन उसको पता है एक घंटा बाद में उसको चोटी पकड़ करके नरक ले जाएंगे। सोचा एक घंटा में स्वर्ग थोड़ा घूम लेता हूँ, कहाँ पर क्या हो रहा है, सब जगह में देखा कोई शराब पी रहे हैं, कोई नाच गान हो रहा है, लेकिन देखा एक जगह पर कोई जाते ही नहीं। बोले भैया इधर क्यों नहीं जाते हैं? उधर जाकर के देखा वहां पर चतुसन बैठे हुए, भगवान वामन देव वहां पर है, कुछ वहां पर सात्विक संपन्न लोग बैठे हुए और जो चतुसन वहां पर कथा कर रहे थे। इसको सुन करके उसको याद आया ये चित्रगुप्त ने ये बताया था, मैंने कहीं एक घंटा कथा सुना तो मेरे को एक घंटा स्वर्ग मिली, भैया यहाँ भी कथा हो रही है, अगर यहाँ पर और एक घंटा बैठ जाओ ना मेरा कितना घंटा स्वर्ग हो जाएगा? बोले दो घंटा स्वर्ग हो जाएगा। उसने स्वर्ग में भोग करने के लिए नहीं गया, वो कथा में सीधा जाकर कथा में बैठ गया। सबके सब कीर्तन कर रहे थे, हरि बोल कर रहे थे, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो देखो एक बजे का जाएगा तो बड़े दूर तो आपका आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वहां पर सबके सब जय जयकार हो रही थी, वहां पर भगवत कथा हो रही थी। उसने भी बैठ करके प्रभु का कीर्तन कथा सुनना शुरू कर दिया, लेकिन उसको पता है एक घंटा बाद में उसको नरक ले जाएंगे। अभी वो देख रहा है लेकिन एक घंटा तो हो गया, लेकिन उसको लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। वो समझ गया ये कथा की कुछ प्रभाव है, मेरे को लेने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। वो वहां से खड़ा किया होगा, अच्छे तरह से जम करके बैठ गया, बोले यहाँ से उठना नहीं, क्यों यहाँ से उठेंगे तो हमें जमदूत पकड़ करके ले जाएंगे। देखो आप लोग जो यहाँ कथा सुन रहे हैं ना, जानते हो कहाँ पर बैठे हो, कहाँ पर बैठे हो, भगवान की बांके बिहारी की राधा रानी की गोद में बैठे हो। अगर किसी समय किसकी मृत्यु आ जाए ना, जब तक तुम कथा से नहीं उठोगे यहाँ से तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है, वो गेट के बाहर जमदूत खड़े रहेंगे। इतने महिमा भगवान की कथा में, इसलिए कृष्ण खुद कहते हैं मत भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठा में नारद। हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ, मैं तो केवल एक जगह में रहता हूँ जहाँ पर मेरी सत्संग हो, जहाँ पर मेरी कीर्तन हो, केवल मैं वहीं पर रहता हूँ। अभी जो उनको लेकर के जमदूत गए थे जो चौकीदार था, बोले भैया हमारे आसाम को वापस दो। वो कहाँ गया ढूंढो, उसने ढूंढा वो गया कहा, वो कहीं मिला ही नहीं। उसको ढूंढते ढूंढते देखा वो तो कथा में बैठे हुआ सत्संग में, वो तो प्रभु का नाम ले रहा है कीर्तन कर रहा है, वहां से वो वापस आ गया। बोले भैया उसको हम ला नहीं सकते। बोले क्यों? बोले वो तो सत्संग में बैठा हुआ, भागवत कथा में बैठा हुआ, और जो भागवत कथा में बैठता है वो ठाकुर जी की गोद में बैठता है, उसको तो हम ला ही नहीं सकते हैं। उसने फिर जब देखा कोई आ नहीं रहे हैं, उसने उठाई नहीं, और जमदूत वहां पर दो घंटे तक खड़े रहे, वो उठाई नहीं, बैठा रह गया। बैठते बैठते कथा सुनते 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 सुनते, बोले कृष्ण कथा सुनने से क्या होता है, बोले श्री नताम श्री कृष्णम कथा पुण्या श्रवण कीर्तन। बोले जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनते हैं, ठाकुर जी क्या करते हैं, उनकी कानों को माध्यम से उनके हृदय में जाते आते हैं। अगर उनके हृदय में कोई काम क्रोध लोभ है ना, उदाहरण देते हैं जैसे आपका कोई प्रिय मित्र घर में आए, अब देखा एक कुर्सी पड़ा हुआ, लेकिन ये कुर्सी में मैला जमा हुआ, वो क्या करेगा, अपना रुमाल निकाल कर उसको साफ करके बैठ जाता है। कहते हमारे सबसे बड़े मित्र कौन है, हमारे सबसे बड़े बंधु कौन है, बोलो कौन है। इसलिए कहते ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम। भगवान ही हमारी सबसे बड़ा मित्र है,
अगर हृदय में तुम्हारी कोई गंदगी होगा ना, ठाकुर जी उसको साफ करके तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे। हैं, जो व्यक्ति कथा सुनते हैं उसकी इतने प्रभाव है, वो तो कथा सुनते सुनते उसका हृदय पवित्र हो गया, वैकुंठ से रथ आया और रथ में बैठ करके उसने सीधा ठाकुर जी को पास में चला गया। कि जो जमदूत थे ना, एक घंटा खड़े रहे, दो घंटा खड़े रहे, चार घंटा, छह घंटा, बाद में उसको वापस आना पड़ा। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते सुश्रुषुभी तत्क्षणात्। अगर तुम्हारी कोई पुण्य नहीं, केवल कथा में बैठो, केवल बस कथा में बैठ बैठते, कथा सुनते सुनते तुम्हारी हृदय निर्मल हो जाएगी और ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे और एक दिन ठाकुर जी अपना चरण में स्थान दे देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले ये कथा को कौन सुन सकते हैं? बोले पापी से पापी भी सुन सकते हैं और पुण्यात्मा से भी पुण्यात्मा कथा सुन सकते हैं। सभी के अधिकार कथा सुनने के। बोले भैया कथा सुने किससे? देखो ये चीज को अच्छी तरह समझो। हम कहते हैं ना भैया कथा तो हो रही है, चलो ना कथा बैठ के कथा सुनेंगे, लेकिन भागवत मना करता है, भागवत मना करता है। एक उदाहरण देते हैं, आप लोगों ने दूध पिए हो? कौन कौन दूध पिए हो, हाथ उठाओ तो। सबके सब दूध पिए हो? आप बताओ दूध पीने से क्या होता है, बोलो क्या होता है दूध पीने से? तुम्हारी खुदा निवृत्ति होगी, तुम्हारी शरीर में ताकत आएगी, शरीर हृष्ट पृष्ट होगा। अगर उसी दूध में अगर सांप अगर मुंह मार दे, बताओ उसमें क्या होगा, बोलो। देखो ये यही उदाहरण देते हैं, कहते भैया जहां तहां कथा सुनने में दिया करो, जो कथा को अपना बिजनेस में लगा रहे ना, वो अपना परिवार मेंटेन करने के लिए कथा कर रहे हैं, भक्ति के लिए कथा नहीं कर रहे हैं, वहां कथा सुनोगे ना वो लगेगा जैसे कथा कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको जैसे दूध में सांप मुंह मारने से वो मृत्यु का कारण होता है, वो कथा सुन करके तुमको भक्ति नहीं मिलेगी, वो कथा से तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी, तुमको बीज नहीं मिलेगी। इसलिए उदाहरण देते हैं, जैसे समुद्र मंथन हुई, समुद्र मंथन से बीज भी निकला और समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, दोनों निकली है। इसलिए ये कथा से ये बीज भी निकलता है और कथा से ये अमृत भी निकलता है, दोनों चीज कथा से निकलती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी साफ ध्यान करते हैं, भैया कथा जहां तहां नहीं सुनो, उनके पास में कथा सुनो जो कथा करके प्रभु का भक्ति चाहते हैं, जीव का कल्याण चाहते हैं, जीव का उद्धार चाहते हैं। इनकी प्रभु के चरण में कैसे भक्ति बने, कैसे ठाकुर जी के चरण में प्रेम हो, कथा केवल वही सुननी चाहिए। इसलिए कथा किससे सुननी चाहिए? बोले केवल वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए। बोले भैया ये कथा की उद्देश्य क्या है, ये कथा की उद्देश्य क्या है? तो उसमें बताए, बोले आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधो वर्गेन जाकल्पिता। इसलिए कहते हैं भागवत ग्रंथ में हमारी उपास्य कौन है? वह उपास्य श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण चंद्र ही हमारी उपास्य है। हमको भक्ति करनी कैसे चाहिए? बोले ब्रज गोपियां जैसे भक्ति की, जितनी भक्ति सबने की है, लेकिन ये गोपियों ने जैसे भक्ति की है ना, जिनकी चरण की एक धूल को, उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी एक चरण की धूल को वंदना की है। कहते भैया उद्धव जी कहते हैं जगत में किसकी जीवन धारण करना सार्थकता है, केवल ये ब्रज गोपियों का ही सार्थकता है। क्यों? कृष्ण के प्रति इनका जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति इनका जो प्रेम है, उद्धव जब ब्रज में गए उनकी जो भक्ति को देखा, गोपियां कृष्ण को टेढ़ी मेढ़ी बोली बोल रही थी, इतने में उद्धव जी ने कहा भैया मैं जब से आया हूँ, कृष्ण काले हैं, सत्य युग में भी काले थे, द्वापर में भी काले, त्रेता में काले, जितने काले ना सब ढूंढते हैं, पर वो काले की इतनी बदनामी कर रहे हो, फिर तो भैया काला का नाम ही छोड़ना, और तो बहुत कुछ है, और किसका बात करो। गोपियां कहती यही उद्धव जी, वो काले हमारी ऐसे रोम रोम में बैठा है ना,
हम ये आंखों को समझाते हैं, देखो देखना तो और कोई चीज देखो लेकिन कृष्ण को मत देखा करो, लेकिन ये आंख है इसे निगोरी अगर देखेगा ना कृष्ण के सिवाय और मुझे दिखता नहीं। ये कान को हम समझाते हैं भैया और किसी चीज को सुनो लेकिन कन्हैया की बंसुरी को मत सुना करो, लेकिन ये कानों में कन्हैया की बंसुरी के सिवाय और कुछ प्रवेश नहीं करते। ये जीवा को हम समझाते हैं भैया बात तो बहुत सारी बात है ना, और किसका बात करो कृष्ण का बात क्यों करते हो। ये जीवा भी ऐसे निगोड़ी, ये जीवा से निकले तो केवल कृष्ण कृष्ण ही कथा निकलती है और कोई दूसरी कथा ही नहीं निकलती है। ये प्यार को समझाती है बोले देखो कृष्ण जहां जहां तुम्हारे साथ में लीला की है ना वो स्थान में बदल जाएगा और कहीं जाओ, लेकिन ये प्यार ऐसे ही जाएगा तो उधर ही जाएगा। ये मन को समझाते हैं मन तुम कृष्ण सिवाय और कोई चिंता करो, लेकिन ये मन में उसके सिवाय कोई बात नहीं आती है। देखो ये तो गोपियों की बात है, हमारी बात देखो जब हम माला करने बैठते हैं, जब हम गुरु जी को ध्यान जप करने बैठते हैं, देखना आंख बंद करके थोड़ी माला जप करो मन कहाँ जाता है, एक मिनट भी मन ठाकुर में नहीं लगता है। आंख बंद करते बेटा बेटी नाती पोती दुकान मकान भी मन से बन जाता, एक घंटा से बैठे हुए देखना एक मिनट भी भगवान की चिंतन में लगता नहीं, सारा दुनिया में चली जाती है। लेकिन गोपियों की भावना क्या है, वो कोशिश करते हैं ये इंद्रियों को हम कृष्ण चिंतन में लगा रहे, लेकिन ये मन क्या करता है कृष्ण चिंता को छोड़े लेकिन कृष्ण चिंता के सिवाय इनके मन में और कोई चीज आती नहीं, इसलिए इनका नाम गोपी है। गो मतलब होता है इंद्रिया और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती हैं ये ब्रज की गोपियां हैं। बोले भैया भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले गोपियां जैसे भक्ति करती थी ऐसे ही हम भक्ति करनी चाहिए, कहती है भागवत का यही सिद्धांत है। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए गत गले हम लोग ये भागवत कथा की महिमा को श्रवण कर रहे थे, ये भागवत कथा की जो महिमा कभी ये दो पुराण में आती है, एक है पद्म पुराण और एक है स्कंद पुराण। गत गले हम लोगों ने जो कथा सुनी थी वो कथा थी ये पद्म पुराण की कथा थी, आज हम लोग स्कंद पुराण में जो कृष्ण की महिमा सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर एक हमारी बच्ची है, हैं? आज वो बच्ची ये कथा सुनाएगी। हरे कृष्ण इसकी माइक दे दो, ये बच्ची कथा सुनाएगी ये स्कंद पुराण में उसने प्रैक्टिस किया है। अब ये क्या बोलती है आप लोगों ने सुना वंदयामि श्रीगुरुं श्रीपदिकं नमो भक्ति विनोदाय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो सभी पुराणों में सम्राट पुराण कहा गया है। इसे सम्राट क्यों कहा गया है, क्योंकि जितने भी अन्य पुराण हैं उनमें क्या है मुक्ति रूपी मल है, किसी में ज्ञान के बारे में बताते हैं, किसी में कर्म के बारे में बताते हैं, लेकिन जो भागवत महापुराण है ये निर्मल पुराण कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण अमलम, तो
तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है अमल पुराण है। तो ये जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक वृंदावन चले गए थे, तो भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में कलयुग में आए थे। तो ये जितने श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध है, तो 12 जो स्कंध है वो भगवान के 12 अंग बताए गए हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का श्रवण करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व क्या है? स्कंद पुराण के अनुसार जो सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई थी वो गोवर्धन में कुसुम सरोवर में श्री उद्धव जी ने 16,000 पटरालियों को ब्रजनाथ जी को और परीक्षित जी को सुनाई थी। तो जब भगवान जब यहाँ से चले गए थे तो ब्राह्मणों के श्राप से क्या हुआ, यदुकुल का नाश हो चुका था। तो यहाँ पे केवल जो परीक्षित महाराज थे और ब्रजनाथ जी यहाँ पे बचे थे और सभी जो थे वो सब भगवान का कुल नष्ट हो चुका था। तो जो ब्रजनाथ जी थे तो क्या हुआ, ब्रजनाथ जी कौन है? ब्रजनाथ जी है श्री भगवान श्री कृष्ण के पुत्र है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र है अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र कौन है ब्रजनाथ। ये ब्रजनाथ जो है वो साधारण नहीं है। ब्रजनाथ को साक्षात राधा रानी ने वरदान दिया था। जब राधा रानी और गोपियाँ भगवान से कुरुक्षेत्र में मिलने के लिए आए थे तब ब्रजनाथ की जो माता थी उन्होंने उनकी बहुत सेवा की थी। तो राधा रानी ने स्वयं उनको वरदान दिया था कि जो आपके गर्भ में जो है पुत्र हैं ये हम इसका नाम ब्रजनाथ होगा और ये हमारी सारी लीलाओं को प्रकाशित करेगा। तो ये ब्रजनाथ जी और परीक्षित महाराज जी इस धराधाम पर थे। और तब एक समय की बात है, ये समय की बात है जब परीक्षित महाराज वृंदावन में आए और उन्होंने उनसे पूछा ब्रजनाथ से। तो जब ब्रजनाथ जी ने बताया कि कोई भी यहाँ पे नहीं है जिस पर शासन करते हैं वो कोई भी यहाँ नहीं है, क्योंकि भगवान चले गए हैं। तो वो दोनों जो थे वो शांडिल्य ऋषि के पास गए। शांडिल्य ऋषि कौन थे? ये नंद बाबा के कुल पुरोहित थे। तो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर उन्होंने ब्रज के बारे में पूछा। तो शांडिल्य ऋषि बोलते हैं, शृणंतम दक्षितो मे रहस्यम ब्रजभूमिजम ब्रजत व्याप्तित्वा व्यापनात् ब्रजोच्यते। तो शांडिल्य ऋषि क्या बोलते हैं, शृणंतम दक्षितो, कि तुम दोनों परीक्षित महाराज और ब्रजनाथ ये दोनों ही शांडिल्य ऋषि के पास गए थे। तो उन्होंने वो बोलते हैं कि तुम दृढ़ निश्चय होकर सुनो कि ब्रज क्या है, ब्रज किसे बोलते हैं, ब्रजन व्याप्तित्वा व्यापनात् ब्रजोच्यते, मतलब व्यापक, जो व्यापक है जो नित्य है वो ब्रज है। अगले श्लोक में बोलते हैं, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम ज्योतिर्मुक्ताराम परम अव्यम। कि जो ये जो तीन गुण है ना, सतगुण रजोगुण तमोगुण, जो इन तीनों गुणों से परे है वो ब्रज है। और जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते हैं, वो भगवान की चरणों को प्राप्त करने के लिए जो पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, ये वो ब्रज है। अगले श्लोक में वो बोलते हैं कि भगवान की आत्मा कौन है, आत्मा तु राधिका तस्य तस्य रमण दसो आत्मा रामस्य काव्य रोजयंती गुण वेदिनी। फिर वो बोलते हैं कि जो भगवान की आत्मा है वो कौन है, वो राधा रानी है। अब राधा रानी जो अपने आत्मा में रमण करते हैं उसे आत्मा राम बोलते हैं, और भगवान की आत्मा कौन है, वो है राधा रानी। और बताते हैं कि जब परीक्षित महाराज को ये शांडिल्य ऋषि बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि तुम कहाँ जाओ, तुम उद्धव जी के पास जाओ और उद्धव जी तुम्हें क्या श्रीमद् भागवतम महापुराण के बारे में बताएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि उद्धव जी ने गोवर्धन गिरी निकटे सखी स्थले तद्रम कामा तत्म वल्लवी रूपे नास्ते सर उद्धव निगमा। तो शांडिल्य ऋषि बताते हैं कि तुम्हें उद्धव जी कहाँ मिलेंगे, गोवर्धन के निकट कुसुम सरोवर में लता बेन जितने भी होंगी वो तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे। तुम उनसे प्रार्थना करो कि वो तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को बताएं। तो जब ब्रजनाथ जी परीक्षित जी और 16,000 श्रीमद् पटरानी वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पे संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, तब वहाँ से उद्धव जी आते हैं। तो उद्धव जी श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में बताते हैं श्रीमद् भागवत शास्त्रम यत्र भागवते यदा तस् श्रूयते कीर्त्यते च अपि श्रीकृष्ण तत्क्षणात्। कि जहाँ पर भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाता है, जहाँ पर कीर्तन होता है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो जाते हैं। अगले श्लोक में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्र श्लोको श्लोकम अर्धमे च तत्रापि भगवान कृष्ण वल्लभी अभिविराजते।
कि जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की क्या श्री कृष्ण भगवान के श्लोक के एक श्लोक के भी आधे श्लोक आधे के आधे श्लोक को भी जो क्या क्या पढ़ा जाता है तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ राधा में जाते हैं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये हम गुरुदेव बताते हैं कि ये सब इच्छा पूर्ण करने वाला है। तो श्रीमद् भागवत हमें बताते हैं कि विद्या प्रकाश विपरणाम राज्य शत्रु जो विषाम धन स्वास्थ्यम से धर्म धन स्वास्थ्यम से शुद्राणाम श्रीमद् भागवतम भवे कि ब्राह्मणी श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण ब्राह्मणों को विद्या देती है, जो क्षत्रिय होते हैं उन्हें शत्रुओं से लड़ने राज्य विजय दिलाती है और जो वैश्य होते हैं उन्हें धन प्राप्त कराती है और जो शुद्र होते हैं उन्हें स्वास्थ्य प्राप्त कराती है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये हमें सब कुछ प्रदान करने वाला है। इसी के बाद चलो चलो बोले श्रीमद् भागवत कथा वृत्तम की जय जय श्री राम। देखो ये बच्चे ने जो कथा सुनाई ना ये रोज मंगलारती में आती है। भले ही हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी लोग थोड़ी सी भले ही उठने में देर हो जाए कभी, लेकिन इसका पहले भाई था वो IIT कर रहा है। ये भाई बहन और इनका माता और इनका पिता है, ये रोज मंगलारती में जानते हो कितने बजे आते, 5 बजे आ जाते हैं और आकर के पहले जो गुरुवाष्टक है प्रभुपाद का जो अष्टक को ये गाती है। सबसे पहले आकर मंदिर में ये गाती है। मंदिर का जितने मंगलाचरण जितने मंगल आरती जितने कीर्तन है ना ये सब याद किया है, इसने सब कुछ इसने याद किया है इसलिए। और इनका जो भाई जो बड़ा भाई वो भी IIT किया, अभी छोटा भाई उसका जो था वो भी IIT कर रहा है, ये भी अच्छी पढ़ाई कर रही है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में मन लगाते हैं ना वास वो भी हर समय वो फलते फूलते रहते हैं, हर समय वो फलते फूलते रहते हैं। इसलिए आप लोगों की कोशिश करना, जो बच्चे लोग हैं आप लोग भी बहुत सारी चीज को हम याद करते हैं। किसी बच्चे को बोलो गीता का कोई एक श्लोक बोलो, किसी बच्चे को बोलो कि गीता का कोई एक श्लोक बोलो, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन उसको बोलो कौन हीरो का क्या नाम है, कौन हीरोइन का क्या नाम है, कौन प्लेयर का क्या नाम है, एकदम पूरा मुंह में उनको रटा हुआ है। लेकिन गीता का कोई श्लोक पूछो ना वो बता नहीं पाएंगे। मैं जयपुर में कथा करने गया था, वहां पर मैंने देखा एक मुसलमान 5 साल का बच्चा पतंग उड़ाते हुए। मैंने उसको पूछा भैया बताओ तो तेरे नाम क्या है, उसको नाम से मेरे को पता चला वो मुसलमान है। मैंने कहा तेरे को कुरान आता ही है, बोले छाती फुला कर बोला मेरे को कुरान आती है। मैंने कहा सुना, वो झुटा झुटा कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी मुसलमान धर्म में कितने सालों से ये कुरान सिखाया जाता है, बोले हमारी मुसलमान धर्म में 2 सालों में कंपल्सरी उसको कुरान पढ़ाया जाता है। हमारी हिंदुओं में बताओ कौन एक एक ऐसे हिंदू हो जो बच्चे को बोलता है तू गीता का पढ़, कोई एक बोलो, किसी हिंदू को बोलो कि कोई अपना बच्चे को बोलता है भैया तू गीता कोई पढ़ो, कोई बोलता है, नहीं बोलते हैं। इसलिए हम इतना बिछड़े हुए हैं। मैं गया था प्रचार करने के लिए, हाँ ध्यान देकर सुनो, फरीदाबाद में जैसे ओल्ड हाउस में वहां पर कीर्तन किया, हमने कथा सुनाई। जब कथा सुनाई ध्यान देकर सुनो, कुछ लोगों ने वहां पर बैठ करके बड़े दुखी होकर रो रहे थे। मैंने कहा भैया क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, बोले बाबा हमारी 500 गज की कोठी है, किसने बोले मेरे 1000 गज की कोठी है। फिर मैंने कहा भैया तुम ये ओल्ड हाउस में क्यों बैठे हो, ओल्ड हाउस में क्यों बैठे हो, देखो ध्यान देकर सुनो। बोले बच्चों को तो मैंने कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ATM कार्ड बना दिया, लेकिन उसको पर मैंने कोई भक्ति के संस्कार नहीं डाले। घर में शादी हुई, घर में बहू आई, इतने लड़ाई इतने झगड़ा, लास्ट में सोचा भैया तुम ही रहो यहीं पर और हम जा रहे हैं ओल्ड हाउस में। अगर बच्चों को पर मैं भक्ति की संस्कार नहीं डालोगे ना तुम्हारी कान पकड़ कर घर से निकाल देगा, तुम्हें कान पकड़ कर तुम्हें निकाल देंगे घर से। अगर बच्चों के अंदर में भक्ति के संस्कार डालोगे ना, क्यों वो भक्ति के संस्कार डालोगे तो उसको पता रहेगा सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छुओ, पहले पिता माता की सेवा करो, तब भक्ति के संस्कार डालोगे तभी तो होगा। अगर नहीं डालोगे तो संस्कार कहाँ से, पढ़ो 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 पढ़ो। इसलिए घर में बच्चों के लिए नियम बनाओ, क्या नियम बनाओगे, बच्चों को बोलो जब तक एक गीता का श्लोक नहीं तो एक माला नहीं करोगे तुमको खाना नहीं मिलेगा।
बच्चों को बोलो जब तक एक गीता की श्लोक नहीं पढ़ोगे, नहीं तो एक माला पांच मिनट नहीं करोगे, बोले बता बात नहीं सुनता है। बोले बच्चों को जोर जबरदस्ती स्कूल भेज रहे कि नहीं, बता भेजते कि नहीं बच्चों को? जब उसको इतना पढ़ाई इतनी पढ़ाई करा देते हो, जब थोड़ी सी पढ़ जाता है ना, बोले तू क्या जानता है, गंवा रहा हम पीएचडी किया, इंजीनियर डॉक्टर किया, उल्टा जवाब देता है। जब उसको उल्टा पुल्टा चीज सिखा सकते हो, क्या बच्चों को भक्ति में नहीं लगा सकते? इसलिए कोशिश करना बच्चों को मंदिर में लाओ, सास में भी लाया करो, बच्चों को सास में भी लाओ, उसको भक्ति की संस्कार डालो। हमारे मंदिर में जब ये बच्चे जो खेल रहे हैं, ये बच्चों को निकाल दो, कोई कोई है यहाँ पर कि बच्चों को बोले बाहर जाकर खेले, ये बच्चों को बोले बाहर जाकर खेले, यहाँ नहीं खेले, नहीं तो वहां चुपचाप बैठो वहीं पर। इसलिए बच्चों को अगर मैं अच्छे संस्कार डालू, ठीक है, फिर ये बच्चे बड़े बन करके तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी प्यार छुएंगे। अब यहाँ पर बताओ तो सवेरे उठ करके सही सही बताओ, कौन पिता माता का चरण छूते? एक झूठ मत, सही सही बताओ, कौन सवेरे उठ करके अपना पिता माता की बात सास ससुर की चरण छूते हो? एक दो कोई कोई है। इसलिए देखो कम से कम भागवत में आए हो, यहाँ से कुछ लेकर के जाओ, यहाँ से कुछ लेकर के जाओ। क्या लेकर जाओगे? सवेरे उठ करके सबसे पहले सास ससुर हो, नहीं तो तुम्हारी पिता माता हो, उनकी चरण छू, उनकी चरण छूने से उनके आशीर्वाद मिलेगा। और पिता माता की आशीर्वाद मिलेगा ना, बोले चार चीज लाभ होगा, बोले धन, ऐश्वर्य, बल और वीर्य, क्योंकि चार चीज तुमकी प्राप्ति होगी सवेरे उठ करके जो पिता माता की चरण छुएगा। बताओ तो कौन कौन छुएगा? हाथ उठाओ, कोई हाथ नहीं उठा रहे हो, तो कथा में आने का क्या फल है? सबके साथ हाथ उठाओ। हाँ, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक भजन सुनाओ। काली बोली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिल मारे, ओ काली बोली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिल मारे, ओ काली बोली वाला मेरा यार है, मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिल
ज्ञान अब ते सारे। तू मेरा रे तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सारे, 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 तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मोहंत जत सूरयो तेन
यो बारी मृदा विनिमयो जत्रात सर्गम वृक्षा ध्याना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यं परम धीमहि। श्री सुखदेव गोस्वामी जब भागवत का प्रारंभ करते हैं वो तीन श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण किया है। कहते मंगलाचरण का तात्पर्य जो होता है कोई भी काम करो उसको मंगलाचरण के द्वारा करो तो वो काम तुम्हारी जरूर सफल हो जा। इसलिए पहला जो श्लोक है कहते ये संबंध संबंध मतलब हम भक्ति करें तो किसको भक्ति करनी चाहिए ये प्रश्न है ना। जगत में तो 33 करोड़ देवता है। अभी हम पूजा करें तो किसकी पूजा करनी चाहिए ये भ्रम है ना। कोई इसी देवता को कोई उसी देवता को कोई अमुक देवता को विशेष करके हमारे भारत में तो लोग भ्रमित रहते हैं। पूजा करें तो भाई किसको पूजा करे। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया पूजा करना तो सत्यंग परम धीमहि। कहते वो परम सत्य श्री बांके बिहारी को ही पूजा करो। किसको पूजा करो श्री बांके बिहारी को ही पूजा करो। लेकिन इसी विषय पर लोगों का बड़े तर्क वितर्क है। ये भागवत का ये पहला श्लोक इतने महत्वपूर्ण इसको ऊपर में 108 टीका लिख गई है। अभी जो जिसको पूजा करता है ना जो सत्यम जी की पूजा करता है कहते भैया वो सत्यम परम धीमहि ध्यान कर तो किसको बोले श्री भोले बाबा को। अभी जो हनुमान जी की पूजा करता है बोले भैया पूजा किसकी करें बोले श्री हनुमान जी को। अभी जो गणेश जी की पूजा करते हैं बोले पूजा करना चाहिए तो श्री गणेश जी की। इसी विषय पर अलग अलग तर्क वितर्क है। लेकिन एक बल्लभाचार्य जो हुए ये वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े संत हुए कहते भैया जो परम सत्य यहाँ पर बताया गया केवल श्री बांके बिहारी को बताया और किसी को नहीं बताया। बोले प्रमाण क्या है आप जो कह रहे हो बांके बिहारी के प्रमाण क्या है तो वो उदाहरण देते हैं। कृष्ण जब देवकी के गर्भ में आए एक समय में 33 करोड़ देवता ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र नारद ये 33 करोड़ देवता एक साथ में गर्भस्तुति की है। ये गर्भस्तुति का जो पहला श्लोक है बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वम शरणं प्रपद्ये। कहते ये परम सत्य किसको स्तुति कर रहे हैं बोले भगवान कृष्ण को ही स्तुति कर रहे हैं जो पहले भी सत्य थे अभी भी सत्य है बाद में जो सनातन रूप में रहेंगे जिनकी धाम सत्य जिनकी भक्त सत्य। कहते ये कौन है बोले श्री बांके बिहारी। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। कहते भैया ये है कौन बोले जन्मादस्य जतः बोले जिनसे ये विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है इनके आदेश पर ही ब्रह्मा जगत को सृष्टि करते हैं इनके आदेश पर शंकर जी दुनिया को संहार करते हैं और इनके आदेश पर विष्णु जगत को पालन करते हैं। अन्य व्यतिरेक रूप में ये विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति प्रलय श्री बांके बिहारी जी से होते हैं। इसलिए बोले तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवय मुह्यन्ति जत सुरय। हम आगे सुनेंगे भगवान के नाभि कमल से जब ब्रह्मा सृष्टि हुए तो ब्रह्मा जी ने देखा मेरी सृष्टि कहां से हुई। हजार साल तक कमल नाभों में संधान करते रहे लेकिन कोई था नहीं मिला। जब ऊपर में आए भगवान खुद कहते हैं बोले ज्ञानम परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सहारह संचत गगनच गृहायम गदितम। ब्रह्मा जी मैं तेरे को ज्ञान और विज्ञान को साथ में जीव विज्ञान प्रदान करता हूँ और मेरी कृपा से ही ये जगत का सृष्टि तुम प्रारंभ करो। बोले जिनकी ऐसे माया है बोले मुह्यन्ति जत सुरयो बड़े बड़े देवता भी जिनकी माया में मोहित हो जाते हैं। हम आगे सुनेंगे जिनकी माया में इंद्र स्वयं इंद्र कौन है स्वर्ग का देवता है इसलिए जिनकी माया को स्वयं इंद्र भी नहीं समझ पाए और उन्होंने ब्रज को तसनस करने के लिए 7 दिन तक उन्हें बारिश किया लेकिन भगवान कृष्ण ने श्री गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। बस श्री गिरिराज बाबा की
पर बाद में इंद्र आकर के जिनके चरण में माफी मांगते हैं, बोले भैया इंद्र की बात छोड़ दो, इनकी अधीन में ये किसके अधीन में रहते हैं, बोले ब्रह्मा जी के अधीन में ये रहते हैं, बोले जिनकी माया में, कहते जिनकी माया में स्वयं ब्रह्मा जो पितामह ब्रह्मा सृष्टि का जो पहले वो आदि गुरु ये भी जिनकी माया में जो स्वयं मृत हो जाते हैं, कृष्ण की बछड़े और सखा को उन्होंने चोरी की, जब पता चला कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा स्वयं कहते हैं बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रज गोसाम जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्मा कहते हैं कृष्ण कौन है भाग्य बिहारी जो पूर्ण जो ब्रह्म जो सनातन है वो क्या कर रहे हैं, बोले सखाओं को सखा बने जिनके सखाओं को झुकन खाते हैं, सखाओं के साथ में खेलते खेलते अगर कृष्ण हार गए ना, श्री राम कहता कन्हैया घोड़ा बन, तू पहले हमें घोड़ा बने, अभी तू घोड़ा, तेरा बारी आ गया, हार गया घोड़ा बन गया। कृष्ण कहते मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, बोले घोड़ा नहीं बनोगे, बोले नहीं कृष्ण सखाओं को कहते के इसको अलग कर दो, कृष्ण को अलग कर दो, इससे कोई बात नहीं करना। कृष्ण कहते नहीं नहीं ऐसी मत किया कर, मैं एक अलग मत किया कर, मैं घोड़ा बन जाऊंगा, तो बैठो कहते माध बन से भांडिर बन तक ले चलो हम घोड़ा बना। कृष्ण जिनकी घोड़ा बनते हैं जिनकी झुटन खाते हैं, अगर कोई पेड़ को पर कोई फल आ गया ना, देखे पहले तीन चार बच्चे खड़े हो जाएंगे, उसको ऊपर में दो तीन, उसको ऊपर में दो, उसको ऊपर एक, और सबसे ऊपर जिस सखा का हाथ में फल लगेगा वो पहले खा लेगा, बोले वाह फल तो बड़ा मीठो है, उसको नीचे सखा के पास में आएगा फिर वो भी खा लेगा, बोले फल बड़ा मीठो है, फिर नीचे आस्ता आस्ता ना गुठली लग जाएगा, और कृष्ण गुठली को खा करके बोले वाह फल तो बड़ा मीठो फल है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया ये ब्रजवासियों ने इसे कौन सा पुण्य किया है जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, इनकी प्रेम में वशीभूत हो गए, विश्व ब्रह्मांड जिनको माया को द्वारा बांध करके रखे, लेकिन उनको माया उनको रस्सी में कौन बांधती है, मैया जसोदा बांध देती है, विश्व ब्रह्मांड जिनकी झूठन खाते हैं, लेकिन कृष्ण किसकी झूठन खाते हैं, नंद बाबा की मैया जसोदा की। नंद बाबा अगर पान खाते होंगे ना, कन्हैया मुंह में अंगुल डाल के उसको झूठन निकाले खाएंगे, इसलिए ब्रज गोपियों को चरण में जो प्रेम की भीख मांगते हैं, इसलिए कहते जो पहला जो श्लोक है ना वो किसके लिए पहला श्लोक है, बोले श्री बांके बिहारी के लिए, बोले श्री बांके बिहारी की। लेकिन हमारे रसी टीकाकारों ने बोले क्या केवल ये बांके बिहारी को ही स्तुति की, बोले नहीं, बोले जो सत्यंत परम धीमहि वो जो परम शब्द है ना वो कृष्ण की पराशक्ति हादिनी शक्ति श्री राधा रानी के लिए उन्होंने वंदना की है, क्योंकि जो पहला श्लोक है ये मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण श्लोक को कौन कर रहा है, बोले सुखदेव गोस्वामी, बोले ये सुखदेव गोस्वामी है कौन, बोले प्रिया सुत श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवास। कहती है तोता कौन है, बोले राधा रानी की जो निकुंज में रहने वाले जिनको राधा रानी हाथ में बैठा करके अनारती दाना खिलाया करती थी, बोले बोलती तो बोलो कृष्ण कृष्ण, वो तोता भी बोलता था कृष्ण कृष्ण, कभी कभी राधा रानी उनको कृष्ण रूप मान कर कभी कभी उनको चुम्बन करती थी, चुम्बन करने का नाते राधा जी की जो अधरा मृत है उसको मुंह में लगा हुआ, इसलिए जब वहां पर 88,000 जब ऋषि वहां बैठे हुए थे, ये सुखदेव गोस्वामी सबसे छोटे हैं, इनके पिताजी की पिताजी की पिताजी कोई 100 साल कोई 200 साल कोई 500 साल कोई 1,000 साल के वहां पर जटा जुटाधारी बैठे हुए थे, और सुखदेव गोस्वामी नंगे धड़ंगे हैं, नंगे धड़ंगे, लेकिन कथा किससे सुने, इनसे ही सुने, बोले क्यों, बोले प्रिया सुत श्री वृषभान जाया, ये राधा रानी के प्रिय स्वरूप है, और राधा जी की अधरा मृत लगा हुआ। अब राधा शब्द को उल्टा दो बताओ क्या होगा, जोर से बोलो धारा, बोले ये राधा रानी नहीं, कहती ये कृष्ण प्रेम की रस की धारा, इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं बोले वैदग्ध सिंधुर अनुरागयित सिंधु वात्सल सिंधुर अति सांद्र कृपायित सिंधु श्री राधिके स्फुर तुमि रस केलि सिंधु, बोले राधा रानी नहीं, जैसे अंगूर है ना दवा उसमें रस निकलती है, राधा रानी
स्वयं रस स्वरूप श्री राधा रानी, ये सात समुद्र, प्रेम की समुद्र, भक्ति की समुद्र, रस की समुद्र, कृपा की समुद्र, सारे समुद्र श्री राधा रानी में विद्यमान है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का जो गुरु है कहते श्री राधा रानी। इसलिए नियम है प्रथमं तु गुरुं पूज्यं ततश्चैव मम अर्चनं। कृष्ण कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े का के लाभ पाओ, बोले बली हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताओ। इसलिए सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करनी चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का गुरु कौन है, बोले श्री राधा रानी। तब राधा रानी को तो पहले प्रणाम करेंगे ना। इसलिए जो पहला श्लोक है कहते श्री राधा रानी को उन्होंने वंदना करते हैं, बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की जय। जय जय श्री राधे। के जो दूसरा जो श्लोक है कहते ये प्रतिज्ञा है, बोले भागवत क्या प्रतिज्ञा करता है, बोले धर्म प्रजीत कैतव अत्र परम निर्मत शरणम सता। तो दूसरा श्लोक ये प्रतिज्ञा लेता है, बोले क्या प्रतिज्ञा लेता है, कहते इसमें तीन अत्र है, बोले भागवत में धर्म प्रजीत कैतव अत्र, केवल अगर सही धर्म कहीं है ना, बोले केवल ये भागवत में ही, ये सही धर्म केवल भागवत में ही है। इसलिए व्यास देव जी जब उन्होंने सारे ग्रंथ को रचना की लेकिन शांति नहीं मिली, लेकिन शांति कब इनको मिली, जब उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथों को रचना किया। इसलिए पहला शब्द धर्म, लोगों का बड़े शंका है ना असली धर्म कहाँ पर है, बोले असली धर्म केवल ये श्रीमद् भागवत में ही है। इसलिए जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी जिससे निकाल दी गई, जिसमें शुद्ध रूप में केवल कृष्ण प्रेम को वर्णना की गई है। और कहते हैं सत्य हृदय अवरुद्ध अत्र। देखो ये भागवत कथा सुनने का कितना महत्व है, जैसे यहाँ कथा हो रही है, आप घर में बैठे हो, आपको पता चला कि भागवत कथा होने जा रही है। अगर किसकी मन में इतनी मात्र इच्छा हो जाए मैं कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनना सुनने जाऊंगा, हाँ अगर इतना इच्छा हो जाए ना, उसी समय में ही कृष्ण आकर के उसका हृदय में ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति घर में घुसे और अपने आप को कुंडली लगा लेता, ऐसे ही केवल कथा सुनने का इच्छा होते ही बांके बिहारी उसका हृदय में ऐसे बंद जाते हैं, उनके हृदय से निकलने का ठाकुर जी को रास्ता नहीं मिलता है। अगर कोई सचमुच से कोई कथा में आकर बैठ गए तो, कोई बैठ गए तो बोले भैया उनकी सौभाग्य तो हम बता ही नहीं सकते हैं। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा परमोहि, अति हरि कृपा जा परमोहि, अति हरि कृपा जा परमोहि, अति हरि पार्वती ये कथा में कौन आकर बैठ सकता है, ये कथा को कौन सुन सकता है, बोले सभी नहीं सुन सकते, ये सभी नहीं सुन सकते, बोले जिसको ऊपर में ठाकुर जी की अति, अति मतलब विशेष कृपा हो, विशेष कृपा मतलब क्या है, जिनकी ये भव बंधन समाप्त हो गया, अभी संसार में दुख कष्ट भोगना नहीं, अभी ठाकुर जी के पास में समय हो गया, संसार का दुख कष्ट समाप्ति हो गई है, वही व्यक्ति ही आकर के पाप देह संगत सोई है, सभी ये कथा नहीं सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सारा अति कठिन है,
राम कृपा बिनो आई न जाए। कहते आप तक यही सरल अति कठिनाई, इसको बोलो भैया कथा हो रही, चलो हजार बहाने वाली करेंगे। पुरुष लोग को बोलेंगे पत्नी को, भैया तू चला जा, तू चला जा, मैं अपना काम निपटा करके आ जाऊंगा। बोले तू खुद निपट जाओगे, काम को निपटाओगे? अभी दुनिया में किसने काम को निपटाया है बताओ? अभी तक दुनिया में किसने काम निपटाया है? हाँ, लेकिन जब आप भगवान की कथा सुनने के लिए आओगे ना, ठाकुर जी तुम्हारी काम को निपटा देंगे। देखो हमारे जो गुरु जी बैठे ना, देखो इधर देखो, इनकी कथा सुनो। ये जो गुरु जी बैठे हमारे जो बड़े गुरु जी, ये पुलिस ऑफिसर थे। ये सही कथा घटना है, ये बिहार बक्सर के थे। अगर कहीं सत्संग हो ना, हरी कथा हो, वो छुप छुप करके कथा में चले जाते थे। अभी इनकी कहीं ड्यूटी थी, ड्यूटी थी, इनको पता चला यहाँ पर सत्संग हो रही है, कथा हो रही है। इन्होंने छुप करके, बोले कौन थोड़ी आता है, बड़ा ऑफिसर थोड़ी आएगा, इसलिए उन्होंने छुप करके उन्होंने कथा सुनने चली। जब चले गए, लेकिन उसी दिन क्या हुआ, बाई चांस उनसे जो बड़ा ऑफिसर था वो चेकिंग करने के लिए आया, ये लोग सही सही ड्यूटी दे रहे कि नहीं। लेकिन वो कथा में तो थे, वो तो गए थे कथा में, गए थे। लेकिन उसने देखा एक व्यक्ति बड़ी स्मार्ट रूप में बड़ी अच्छे तरह से ड्यूटी दे रहे, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, एकदम सिंसियर होकर के ड्यूटी दे रहा है। बोले वो ड्यूटी कौन दे रहे थे? कृष्ण स्वयं दे रहे थे ड्यूटी। क्यों? ये गए थे कथा सुनने के लिए, ये कथा सुनने के लिए गए थे, इसलिए ठाकुर जी स्वयं ड्यूटी दे रहे थे। जो बड़ा पुलिस ऑफिसर था, बोले भैया ये व्यक्ति तो बहुत बढ़िया व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति, बड़े अच्छे तरह से सिंसियर होकर ड्यूटी दे रहा है, इसका जो पोस्ट है ना, इसको थोड़ा और बड़ा पोस्ट दे देंगे, इसको प्रमोशन कर देंगे। अभी वो चला गया बड़ा ऑफिसर। जब गुरु जी कथा सुन करके आए, उनको पता चला जो बड़ा मेरा ऑफिसर था वो चेकिंग करने के लिए आया था, लेकिन वो तो थे नहीं। सोचे मेरे लगता है मेरी नौकरी गई। अभी उन्होंने बड़े डरते डरते आए ऑफिस में, हाँ बोलने के लिए माफ कर दो, मैं सत्संग में गया हुआ था। लेकिन जब गुरु जी आए ना, तो गुरु जी ने बोले देखो मैं कहीं कोई संत आए थे, मैं सत्संग में गया हुआ था, इसलिए कल मैं ड्यूटी नहीं कर पाई। वो बड़ा ऑफिसर कहता, बोले क्यों? मैंने देखा तू तो बड़े सिंसियर रूप में तुम तो नौकरी कर रहा था, ड्यूटी दे रहा था, मैं तो सोच रहा था तेरे को और थोड़ा बड़ा पोस्ट पर प्रमोशन कर दूं, प्रमोशन कर दूं तेरे को। गुरु जी तो अक्के बक्के चक्के हो गए। बोले भैया मैं तो था नहीं, मैं तो सत्संग में गया हुआ था, वो सत्संग करते थे ना, इसलिए कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले अनन्नास चिंतन तमाम चेजनाहा परजुपासते तेसां नित्याभिजुक्ता नाम जोगा खयम बहामी। अब कृष्ण स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नित्य निरंतर मेरे भजन में लगा रहता है, केवल मेरे भक्ति में डूबा रहता है, उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। उसकी घर में जो चीज नहीं, मैं सर पर रख कर घर में पहुंचाता हूँ, और उसको घर में जो चीज है ना, मैं स्वयं एक दरबार बन के उसको मैं रखवाली करता हूँ। कौन कह रहे हैं? ये स्वयं श्री बांके बिहारी कह रहे हैं, लेकिन हमारी विश्वास नहीं होता है। नरसिंह भगत का नाम सुने है ना? अभी दिन भर भजन करते, बेटी शादी कर लाएगी, हो गई, बेटी को कौन शादी कराएगा? कृष्ण स्वयं सावरिया सेठ बन करके ऐसे धूमधाम से शादी कराए ना, अरब खरब पति में ऐसे शादी नहीं करा सकते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर में हमारी पूर्ण विश्वास होनी चाहिए। तब से हमारे गुरुदेव जब देखे ठाकुर जी स्वयं आए, हमारे गुरु जी तब से ये नौकरी को छोड़ कर उन्होंने साधु बन गए, नौकरी छोड़कर साधु बने, और संपूर्ण विश्व में है, संपूर्ण विश्व में हमारे जो सनातन धर्म है, संपूर्ण विश्व में उन्होंने प्रचार किया है। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, है अति हरि कृपा जा पर वही पाप दही असंगत सोई, आप तो यही सरल अति कठिनाई, राम कृपा बिनो आई न जाए। जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होना भैया, ये सत्संग में कोई नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई हीरो आ जाए ना, सलमान खान, शाहरुख खान आ जाए, हैं? इसलिए ऐश्वर्या राय आ जाए, यहाँ पर प्यार रखने का जगह नहीं मिलेगा, केवल पता चल जाए, देखना यहाँ पर प्यार रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन कथा सुनने के लिए हमने 5 बजे रखे, 6 बजे आ जाओ, लेकिन तभी नहीं 7, 8, 8:30 बजे आएंगे। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती
आवत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनो आई न जाई। इसलिए यहाँ जो दूसरा जो श्लोक है कभी ये प्रतिज्ञा भागवत प्रतिज्ञा लेता है जो केवल कथा सुनने की इच्छा करेगी उसके हृदय में ठाकुर जी स्वयं उसके हृदय में बंध जाएगी, ठाकुर जी को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगी। कहे जो तीसरा जो मंगलाचरण है कहे वो हमें आशीर्वाद देते हैं। बोले क्या आशीर्वाद देते हैं? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भूभिभावुका। बोले हम लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, हम कल्प वृक्ष को नीचे बैठे। कल्प वृक्ष मतलब जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सावधान करा देते हैं। बोले जो मांगेगा तो वही मिलेगा, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत है रुपया पैसा। इसलिए बोले अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार जी तीव्रेण भक्ति जोगे न जगे तुरुषम परम। बोले अकाम, अकाम मतलब होता है जो निष्काम होकर के। बोले सर्व काम वा जब तुझे सब कुछ चाहता है स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत है मोक्ष काम। अगर जो व्यक्ति भगवत समुद्र से पार होना चाहते हैं बोले ये भागवत सब कुछ प्रदान करता है, लेकिन हमें सावधान कर देते हैं ये छोटी मोटी चीज को मत माना करो कि संसार की वस्तु अपने आप ठाकुर दे देते हैं। इसलिए ठाकुर जी को कल प्रभु जी बता रहे थे ना क्या रोटी दिला दे रहा हूँ, बोल रहे थे ना ठाकुर जी, इसलिए बोले घोड़ा दिला दे रहा। ऐसे घोड़ी आई है, घोड़ी के ऊपर जब बैठने के लिए गया ना इतने में घोड़ी ने बच्चा जन्म दे दिया। अभी घोड़ी के ऊपर क्या बैठ गया, अभी घोड़ी उसको ऊपर बैठ गया, अभी बच्चे को लेकर गए। इसलिए अगर ये दुनियादारी चीज मांगोगे ये दुनियादारी जितना चीज मिलेगा ना वो बंधन ही बंधन है, सब बंधन का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं मांगना तो बोले कैवल्य अक्यम प्रयोजनम। भागवत का जो एकमात्र लक्ष्य वस्तु है भगवत चरण में प्रेम और भक्ति। जैसे श्री हनुमत लाल जी देखो जब भगवान राम बोले बर मांगो उन्होंने क्या मांगे, बोले बार बार बर मांगो हर सी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सतसंग। उन्होंने भक्ति सत्संग प्रार्थना की, हमें सत्संग और भगवान की हमें भक्ति प्रदान करो। इसलिए ये भागवत नहीं ये कल्प वृक्ष को नीचे हम बैठे हैं। कभी ये इसका जो फल क्या है बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम। ये भागवत ग्रंथ ये कल्प वृक्ष का ये प्रपक्व फल पका हुआ फल है। एक तो पका हुआ फल है, दूसरे में उसमें तोता ने उसको चोंच मारी। तो चोंच मारे कहावत है वो कच्चा फल में चोंच नहीं लगाएगा, वो पका हुआ फल में ही चोंच लगाता है। मतलब ये भागवत पका हुआ फल है, अगर तोता अगर चोंच मार देना उसमें और भी ज्यादा सा मिठास आ जाती है। क्योंकि जो सुक्त गोस्वामी ये कौन है, ये राधा जी की प्रयास होते हैं, जब इनकी मुंह से कथा निकलेगी वो मीठा तो होगी, मीठा तो होगी ही। इसलिए क्या करो बोले इसको खूब पियो, इसको क्या करो उसको पियो। बोले भैया पहले तो बोल दिया ये फल है, फल को थोड़ी पीते हैं, फल को तो खाते हैं ना, लेकिन आप कह रहे हो पियो। बोले ये ऐसे के फल है जिसमें छिलका नहीं, जिसमें गुठली नहीं, जिसमें रसी रस है, जिसमें रसी रस है। इसलिए क्या करो उसको पीते रहो। लेकिन किधर से पियो, जैसे कोई चीज को हम पीते हैं किधर से पीते हो, बोला कोई चीज को जो पीते हो किधर से पीते हो, मुंह से। लेकिन अभी जिस रस को पी रहे हो किधर से पी रहे हो, कानों से। बोले ये रस को मुंह से नहीं पी जाती, ये रस को कानों से पी जाती। बोले मुंह से पीने का और कानों में पीने का फर्क क्या है, बोले मुंह से जो चीज पियोगे ना वो नीचे निकलेगा, अब रख नहीं सकते वो निकलेगा, लेकिन जो चीज तुम कानों से पियोगे ना वो निकलेगा नहीं। मतलब ये कथा रस को जब पियोगे ना ये तुम्हारी हृदय में टिकी रहेगी। लेकिन कहते भैया पीते तो है लेकिन ये सब निकल जाती है, रहती नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में काम क्रोध लोह मद मात्सर्य हमारे हृदय में भरा पड़ा हुआ और रहती नहीं, टिकती नहीं, निकल जाती है। बोले भैया इसके लिए उपाय क्या है, बोले मुहुरहो रसिका, उसको नित्य निरंतर पीते रहोगे ना, अगर नित्य निरंतर ये रस को पीते रहोगे भले ही तुम्हारी हृदय में जितने काम क्रोध लोभ क्यों नहीं हो ये तुम्हें सता नहीं सकती है,
जैसे समझो सभी का हृदय में संसार की वासना है, काम है, क्रोध है, लोभ है। आप देखना जब तक ये कथा में बैठोगे ना, तुम्हारी कोई काम सता रहे हैं, ना तुम्हें कोई क्रोध सता रहे हैं, ना कोई लोभ सता रहे, कोई नहीं सता रहे हैं। केवल कथारूपी गंगा में ही गोता लगा रहे हो, लेकिन केवल ये गेट से बाहर जाओ, केवल गेट से तुम बाहर निकल जाओ, देखना संसार का जितनी समस्या दुख कष्ट एकदम सर में आकर के एकदम झट बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक कथा में बैठोगे ना, किसी तरह का दुख कष्ट तुम्हें सता ही नहीं सकते। क्यों? कथा में नहीं, तुम बांके बिहारी की गोद में बैठे हो। बांके बिहारी की गोद में, जैसे कि बच्चा जब तक माँ की गोद में बैठता है ना, सोता है, वो निर्भय होकर के सोता है। उसको पता है मैं माँ की गोद में सो रहा हूँ, इसलिए आप कथा नहीं सुन रहे हो, ठाकुर की गोद में हम लोग सो रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहते ओम नमी से अनिमि से क्षेत्रे ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सवमासते। अभी घोर कलयुग आ गया, सौनकादि ऋषि लोग डरते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले ये कलयुग से हम बच्चे कैसे। बोले चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रण करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरे वहीं पर साधन भजन करो, तुम्हारे ऊपर में कली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जा करके नैमिषारण्य में गिरा, वहीं पर हजार सालों से तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते 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 उनको सारे दाढ़ी मोच केश तक भी जल गए, यहाँ तक हृदय तक भी जल गए, लेकिन मन में कोई शांति नहीं मिल रहा था। एक दिन भगवत इच्छा से वहां पर श्री सुत गोस्वामी आए है। कहते जो सुत गोस्वामी ये उग्र सभा सुत है, बड़े बुद्धिमान बड़े है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, ये सबके पीछे बैठ कर कथा सुन रहे थे, लेकिन संपूर्ण रूप में भागवत को जो ग्रहण इन्होंने किया है, इसलिए बोले जब इनको आए, इनका आसन तय करके बैठाए, बोले हे सुत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से ही ये सारे वेद पुराण इतिहास को आप लोगों ने अध्ययन किया है और इसकी मर्मार्थ को आप जानते हो, इसलिए आप कृपा करके बताओ हमारे कल्याण कैसे होगी, हमारी कल्याण कैसे होगी। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो कदा अगर कोई व्यक्ति बोले अरे हम इतने पीएचडी डॉक्टरेटी और हमने इतने संस्कृत से पढ़ा, अपने आप हम तो पढ़ ले, अपने आप शास्त्र ग्रंथों को पढ़ कर समझ जाएंगे, बोले नहीं। कहीं जो ब्रह्म विद्या है ये गुरुमुखी विद्या है, ये अपने आप पढ़ करके समझने वाले नहीं है, है? इसलिए जितने तुम संस्कृत क्यों नहीं पढ़ लो, जैसे समुद्र मंथन से बीस भी निकला और समुद्र मंथन से अमृत निकला, अगर अपनी आप कोशिश करोगे पढ़ने के लिए कि बोले तुम्हें बीस बीस ही निकलेगा, वो अमृत तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है, ये गुरु परंपरा से ये विद्या आती है, इसलिए हमें है, इसलिए कहते ना बिनु गुरु भवन भी तरह न कोई, जो बीज शंकर सम होई, ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ लेकिन अगर गुरु जी की शरण नहीं लो तो तर नहीं सकते हो। देखना किसी जगत में कोई बच्चा है, कोई बच्चा, इसलिए जब पढ़ाई करता है अब उसके पास में पुस्तक पुस्तक सब कुछ है, लेकिन इस एक्सपर्ट किसी टीचर को पास में जाता है। जब ये साधारण विद्या के लिए तुमको टीचर की जरूरत है, और वो कहाँ ब्रह्म विद्या है, भगवत विद्या अधोक्षर विद्या है, उसको भी ग्रहण करने के लिए हमें कोई एक्सपर्ट गुरु चाहिए। इसलिए सौनकाद ऋषि कहते हैं आप गुरु जी की कृपा से ही ये सारे शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किया। इसलिए कलयुग का जो दुर्दशा है, प्रायण अल्पायुष सभ्य कला भस्मीन युगे जना मंदास मंद मतयो मंद भाग्य धूप द्रुत। इसलिए कलयुग को वर्णना करते हैं, कलयुग कैसे है, बोले प्रायण अल्पायुष, प्राय करके कलयुग में अल्प दिन जिंदा रहने वाले, सत्ययुग में 1,00,000 साल रहते थे, त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000, कलयुग आ गया तो 100 हो गया, और जब घोर कलयुग आएगा ना 100 से 1 शून्य हटा दो कितना होगा 10। तो इतना छोटे नाट्य से बच जाओगे,
बैगन भी तोड़ नहीं पाओगे, इतने छोटे बन जाओगे। जब घोर कलयुग आएगा, मार मार पीट पीट, अभी कलयुग थोड़ा प्रभाव दिखा रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए कहते भैया जितने जल्दी होना भजन करो और संसार से चले जाओ, क्योंकि फिर जब दोबारा जन्म लोगे ना, फिर देखोगे कलयुग घोर कलयुग आएगा, मार मार पीट पीट ऐसे करने लग जाएंगे। इसलिए बोले प्रायण अल्पायु और कलयुग में बोले मंदा सुमंद मतयो। कलयुग में स्वाभाविक रूप में लोग का जो मन है ना वो गंदी चीज में जाता है, और जो इंटरनेट जो निकल गया, स्मार्टफोन निकल गया, जो टीवी आ गया ना, ये तो सत्यानाश करते हैं दुनिया को। हम लोगों को लगा होगा नहीं स्मार्टफोन आ गया है, हैं कितने बढ़िया, सारे बच्चों को यही बिगाड़ रहे, सारे बच्चों को यही स्मार्टफोन। पिता माता तो इसके लिए बड़ा परेशानी है ये स्मार्टफोन को लेकर के, हैं ये घोर कलयुग का ही निशान है, हैं। इसलिए एक संत कह रहे थे, ध्यान देकर सुना, जब कृष्ण द्वापर युग में आए, जब भगवान राम तृतीय युग में आए, क्या उसी समय जब भगवान आए, क्या उसी समय ये फोन नहीं निकल सकता था? क्या ये स्मार्टफोन कहीं निकल नहीं सकता था? ये क्या टीवी नहीं निकल सकती थी? उस समय साइंस बहुत एडवांस था, अभी से बहुत एडवांस था, लेकिन उसी समय में ये स्मार्टफोन टीवी ये मोबाइल क्यों नहीं था? कभी दुनिया के अगर ध्वंस का कारण बनेगा तो यही स्मार्टफोन टीवी इंटरनेट ही यही दुनिया के ध्वंस का कारण बनने वाले। इसलिए द्वापर युग में ये सब चीज नहीं आई है, त्रेता युग में नहीं आई है, ये कलयुग में आई है। इसलिए बोले कलयुग में लोगों का कहते मंदा सुमंद मतयो। पहले जब समय होता था लोग क्या करते थे बोलो, गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। जो व्यक्ति रामायण पढ़ेगा ना, रामायण में दूसरा में तुलसीदास वाल्मीकि बारंबार कहते हैं ये जीवन बड़ा भाग्य से मिला है, ये जीवन पाकर के भगवान की भक्ति करो, भजन करो, पहले सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छो, श्रवण कुमार कैसे पिताजी को कंधे पर लेकर के कैसे सारा दुनिया कैसे तीर्थ करवाए। अगर ये गीता भागवत पढ़ोगे तो ये ज्ञान तुम्हें मिलेगी ना, ये तो ज्ञान मिलेगी। फिर दिन भर टीवी देखोगे, स्मार्टफोन देखोगे, उल्टा पुल्टा चीज देखते रहोगे, तुमको शिक्षा कहां मिलेगी? जैसे चीज देखोगे तुम्हारी मन तो उधर ही जाएगी तुम्हारी मन। इसलिए बोले कलयुग में कहते मंदा सुमंद मतयो, बड़े मंद बुद्धि जी जीव का, समय मिलेगा तो टीवी खोल कर बैठी जाएगा लेकिन एक माला जप नहीं करेगा, रामायण भागवत नहीं पढ़ेगा। फिर कलयुग में जुभद्रुता, जुभद्रुता मतलब अगर पत्नी अगर सत्संग में आती है, थोड़ी सी तिलक गला में कंठी पहन ले, कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गई तू, कौन से बाबा के चक्कर में तुमने पड़ गई, ये सब तिलक कंठी क्या है, हैं? पहले बोलते थे सिनेमा ले चलो, अभी समय होते चलो गौड़िया मठ चलो, गौड़िया मठ चलो। इसलिए अगर पति अगर साधु संग में आए, हैं, आ करके थोड़ी सी साधु संग करने लगी जाए, थोड़ी सी प्रभु की माला भजन करने लगी जाए, पत्नी क्या गलती करेगी? बोले कोई काम धाम नहीं, जब देखो गीता भागवत माला लेकर बैठ जाते हैं, हैं, काम करना नहीं पड़ेगा। अगर बच्चा अगर भक्ति में आ गया, थोड़ी सी गला में कंठी तिलक पहन लिया, बोले ये कह रहा तेरा कोई उम्र है, तेरा कोई उम्र है भजन करने का, अभी से कंठी माला तिलक। अगर शराब पीता है ना, सिगरेट पीता, बोले वेरी गुड, बच्चा तो बड़ा एडवांस कर रहा है, शराब पी रहा है ना, बीड़ी फूंक रहा है, लड़की पीछे भाग रहा है, वेरी गुड, अपने आप बहुत ढूंढ लेगा, उसके बहुत ढूंढने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहते ये कलयुग में इतनी उपद्रव है कलयुग में, इसलिए कहते जिनका कल्याण कैसे होगा। इसलिए उन्होंने बोले, तब उन्होंने छह प्रश्न किया है, और ये छह प्रश्न का जो उत्तर है ना, कभी ये संपूर्ण भागवत है। कभी ये छह प्रश्न किया है, बोले पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। ध्यान देकर सुनो, कल मैं सबको पूछूंगा, जो बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है? हर साल तो बोलता हूँ, देखूंगा कल कौन मेरे को सुना पाता है। पहला प्रश्न क्या है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। हम जीवन में जो कुछ करते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है, आत्मा को शांति कैसे मिले। इसलिए ये जो प्रश्न है ना, ये करोड़ रुपया अरब रुपया की ये प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिले। दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या। देखो हर प्रश्न जुड़ा हुआ है, बोले जब तक तुम भगवान की आराधना नहीं करोगे, जब तक तुम भगवान की भक्ति नहीं करोगे, ये आत्मा को कभी शांति
मिल नहीं सकती हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम विमुख का भी सुख नहीं पावा, राम से विमुख होकर के अभी तक इसको शांति सुख मिले ही नहीं। शांति तभी मिलेगी जितना भगवान की भक्ति में मन लगाओगे, जितना इसी विषय में मन लगाओगे उतना ही दुख ही दुख है। क्यों? ये दुखालयम असासतम, ये दुख का घर है, यहाँ सब नश्वर वस्तु है, नश्वर वस्तु कभी तुम्हें परम शांति दे ही नहीं सकती है। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन है, एक कृष्ण द्वारकाधीश कृष्ण है, एक मथुरा से कृष्ण है और वृंदावन के कृष्ण श्रवण कराओ। चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदा मान सृजामि हम। भगवान कभी राम रूप में आए बड़े सुंदर सुंदर लीला की, भगवान कभी बामन बन करके आए बड़े प्यारी प्यारे लीला की, भगवान कभी मत्स्य अवतार में आए। इसलिए ठाकुर की जो अलग अलग अवतार है वो अवतार तुम्हें कथा सुनाओ। और उनका जो पंचमा प्रश्न है, भगवान की अद्भुत जस, भगवान की अद्भुत महिमा कथा सुनाओ। छठवां प्रश्न है, कृष्ण जब ये संसार छोड़कर गए ये कलयुग में धर्म कहाँ आश्रय लिया। जब उन्होंने छह प्रश्न की, ये प्रश्न सुन करके श्री सुतो गोस्वामी का रोम रोम खिल उठा। बोले क्यों? ये जितना प्रश्न है ये सब के सब भगवत संबंधी प्रश्न, इसी की चर्चा में कोई दुनियादारी की चर्चा नहीं, केवल भगवत चर्चा इसमें। यहाँ सीखा देते हैं संतों को पास में जाकर के कभी उल्टा उल्टा बात मत किया करो, ये दुनियादारी की बात मत करो, वहां तक जाओ तो केवल भगवान की भक्ति को बाहर में पूछो। आप लोग बोलोगे हम तो घर गृहस्थी है, हम तो घर गृहस्थी, हमारे बेटा बेटी नाती पोती दुकान मकान, हम तो दुनिया की बात ही कर ली, क्यों हम तो घर गृहस्थी। हाँ देखो एक उदाहरण देकर समझा, अच्छे तरह से एक चीज को समझ जाओ। जैसे तुम्हारे शरीर में कहीं फोड़ा हो गया, अगर फोड़ा हो गई तुम कहीं एक मलम लाओ, ये फोड़ा को ऊपर लगाओ, फोड़ा सही होगा देखना, और एक जगह पर फोड़ा निकलेगा, वहां पर उसको मलम लगा दो, मलम पट्टी लगा दो, देखना वो तीसरा जगह पर फिर फोड़ा निकलेगा, फिर वहां पर भी मलम पट्टी लगाओ, देखना चौथे जगह पर फिर फोड़ा निकलेगा। अभी देखो वो फोड़ा क्यों निकल रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो ब्लड है ना वो खराब हो गया। अगर तुमने ब्लड को अगर सही कर दिया ना तो फोड़ा अपने आप सही हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी, फोड़ा को मलम पट्टी करने का जरूरत नहीं, ब्लड तुम्हारी खराब हो गई। उसी तरह संसार में ये जितने दुख का जड़ को देखो पकड़ो, ये जड़ को पकड़ लो, दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु को उनका एक भक्त सनातन गोस्वामी, उस समय वो प्राय मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको दो प्रश्न किया है। देखो ध्यान देकर सुनो, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान को प्रश्न कर रहे हैं। इनका पहला प्रश्न है मैं कौन हूं, दूसरा प्रश्न है जगत में कोई भी दुख को निमंत्रण नहीं देते हैं, लेकिन ये बगैर निमंत्रण के ये दुख घर में क्यों आता है। इनका दो प्रश्न है, मैं कौन हूं, कोई दुख को बुलाते नहीं, बिना बुलाए ये दुख क्यों आता है। देखो भगवान इसका उत्तर क्या देते हैं, बोले जीवेर स्वरूप है कृष्ण निमित्त दास, जीव का जो असली स्वरूप है हम कौन है, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं मम युवांश जीव लोक जीव भूत सनातन, जो जीव है वो सब के सब भगवान की संतान है। इसलिए कहते ना तुम्हें वो माता च, बोलो जोर से तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो तुम्हें विद्या द्रविण, तुम्हें वो तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, भगवान ही हमारे असली पिता माता है। जब हम उनकी चरण की सेवा करने लग जाएंगे, जैसे हनुमत लाल की, बताओ ये दिन भर क्या करते हैं हनुमान जी, बताओ। बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीतारा, जय रघुपति राम राजा राम पति पावन सीतारा, जय रघुपति Yeah.
हनुमान जी दिन भर प्रभु का नाम ही तो लेते हैं, ठाकुर का सेवा करते हैं ना। देखना कद हनुमान जब नाम सुना भी है कद भूत विश्वास नहीं आवे, निकट नहीं आवे, कहते ना। लेकिन देखो जो ठाकुर का तो बोले नाम जब करते उसको जरा अपना दुख तो गया और सारा दुनिया का दुख को दूर करते, सारा दुनिया का दुख को दूर करते हैं। इसलिए जब हम ठाकुर जी की भक्ति करने लग जाएंगे, जितने दुख का कारण जो जड़ है हमने भगवान को भूल गए, इसलिए माया पिशाच नहीं ये दुर्गा संसार रूपी दुर्ग बनाकर हमें इसमें डाल दिए। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहतो दास। इसलिए यहाँ पर कहते सारे दुख का जड़ है हमने भगवान की भक्ति छोड़ दिए, इसलिए ये सारे दुख है। जब प्रभु की भक्ति करना शुरू कर देगा ना, अपने आप हमारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगा। इसलिए आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन कलयुग में भक्ति करेंगे तो कैसे करेंगे, बोले कलयुग के बलना आधारा, कलयुग के बलना सरल उपाय रखे, ज्यादा कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं, हाथ में जो कुछ कर ठाकुर को सेवा मान कर। जैसे गोपियां भी तो घर में रहती थी लेकिन हाथ में घर की झाड़ू लगाती थी, बोलती थी कहां झाड़ू लगा रही हो, बोले भगवान की दरबार में झाड़ू लगा रहे, ठाकुर जी की घर में ही झाड़ू लगा रहे, रसोई बना रहे हो, किसके लिए रसोई बना रहे हो, ठाकुर जी की भोग लगेगी। लेकिन इधर हाथ में सेवा करती है लेकिन मुंह में क्या करती है, ठाकुर जी की नाम करती है। बच्चे पर थपथप लगा करके उधर सुला रही है लेकिन मुंह में क्या कर रही है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बताओ क्या कष्ट लगा है, कलयुग में इतने सरल है भगवान का नाम लोग आनंद ही आनंद, रसी रस भगवान का नाम है, हाथों में ठाकुर का सेवा और मुंह में ठाकुर जी का नाम, बस बड़ा पार है। अभी हमारे बंसी बजाने वाले प्रभु जी आपको बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सुनाएंगे, हमारे श्री बंसीवर्धन प्रभु जी। और आज है ना कथा को लास्ट में सबके सब एक माला जप करें, ठीक है ना, एक एक माला जप करके फिर आप लोग जाना हमारे श्री बंसीवर्धन प्रभु जी। हाँ कोई बजने वाला तो मोहन से लगाया है ये नहीं जानो मोहन से दिल को लगाया है मैं जानू क्या हो जाए, छलिया से दिल को लगाया है जानू क्या हो जाए, छलिया से दिल लगाया है मैं जानू क्या हो जाए, मोहन से दिया से दिल को लगाया है मैं जानू या हो जाए, दिया से दिल लगाया है मैं जानू या हो जाए।
आइए सभी मैं आप से दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए बोलेंगे सभी। हरी बात निराली है इसकी, हर बात में एक तेरा बन, हर बात में एक तेरा बन, हर बात में एक तेरा बन। तेरे पर दिल जो आया है मेरा मोरा मोरा रे, तेरे पर दिल जो आया है मेरा मोरा मोरा रे। ओ मन से बदनाम किया नाम का फल
साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए हरे तुझी कृपा प्रार्थना करता हूँ।
तत्पश्चात कृपान गौड़ गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषत सड़ग स्वामी पाल रसिक आचार्य वर्ज महामोपाध्यास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सपा सदस्य भक्ति सिद्धांत सष्टग्र प्रभुपाद जयजुक्त हो। सपा श्री गौर नित्यानंद प्रभु जयजुक्त हो। श्री श्री राधा दामोदर जी जगन्नाथ गुरुदेव सुभद्रा सुदर्शन जी गिरिराज महाराज सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम प्रमुख अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरु पाद पद नित्य लड़ा प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम प्रमुख कृपा प्रार्थना करता अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद माताएं सबके चरण में अर्थूंगा जथा जथाना स्वीकार। एक बार एक भक्त ने हमारे गुरुदेव के पास आए और बताया कि गुरुदेव ये हरिनाम की झोली माला सब कुछ ले लीजिए, कृष्ण भजन छोड़ दूंगा। गुरुदेव बोले क्यों, क्या हो गया, इतना दिन हो गया नहीं छोड़ रहा था, अभी क्यों छोड़ोगे। बोले गुरुदेव मेरे अंदर काम मुझे बहुत सता रहा है। गुरुदेव ने कोई असुविधा नहीं, कामन तो दास्य न तो काम अकामया, काम वस्तु को अपने लिए करते हो उसको काम कहा जाता है, भगवान के लिए करो सेवा बन जाएगा। कामना अपने लिए नहीं करके अपना इंद्रिय तर्पण मत चाहो, कृष्ण इंद्रिय तर्पण चाहना पड़ेगा, मैं तुम्हारे काम को सेवा में परिवर्तन कर दूंगा। तो फिर गुरुदेव मतलब हमारे श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनकी सेंटिनियल उद्देश्य यहाँ पर एक कथा हुआ था जन्माष्टमी में और आज तो ये दूसरी कथा है, बहुत बड़ा भाग्य आप लोग। और आगे जा करके भी आ रहा है दिन जो कि गुरुदेव के लिए स्पेशल 3 दिन कथा होगी, जो कि केवल वैष्णव के गुण कीर्तन होगी, तो आप सब लोग जरूर उस कथा में जरूर आइए। तो गुरुदेव ने पूछा, गुरुदेव ने बोला कि मैं तुम्हारे काम को किसमें परिवर्तन कर दूंगा, सेवा में परिवर्तन कर दूंगा। तो फिर उन्होंने बताया कि गुरुदेव हमारे अंदर बड़ा क्रोध है, वी हैव सो मच एंगर मोड। आप लोग कोई कोई क्रोध करते हैं क्या? एंगर, क्रोध को इंग्लिश में कहते हैं। और एंगर का दूसरा परिणत क्या होता है पता है? केवल डी पीछे लगा दो, क्या हो जाएगा? एंगर, पहले डी लगा के बोलो फिर क्या होगा? डेंजर। तो एंगर डेंजर बन जाता है, इसलिए क्रोध शुरुआत होती है मूर्खामी से और पश्चाताप से खत्म होती है, और उसी समय पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं रहता, इसलिए क्रोध मत करो। क्रोध ऐसा एक वस्तु है जो रहेगा, अंदर रहने से खुद को जलाएगा, बाहर निकालो दूसरे को जलाएगा क्रोध। तो गुरुदेव ने बताया कि देखो तुम्हारे क्रोध को भी मैं चुटकुला में उड़ा दूंगा, चिंता मत करो। तो उन्होंने बताया, गुरुदेव मेरा आपके ऊपर डाउट है। वो बोले कि गुरुदेव मेरा आपके ऊपर डाउट है, संदेह है। तो गुरुदेव ने बोला कि मेरे अंदर मेरा कौन सा पार्ट के ऊपर तुम्हारा डाउट है, मेरा कैरेक्टर के ऊपर तुम्हारा डाउट है? बोले नहीं। वो बोले कि मेरा इंटेंशन के ऊपर तुम्हारा डाउट है, उद्देश्य के ऊपर डाउट है? वो बोले गुरुदेव ने। तो गुरुदेव बोले तुम्हारा फिर जो कोई पार्ट पर डाउट हो कोई असुविधा नहीं है, तुम्हारे कृष्ण भजन सफल बन जाएगा। यानी हमारे उद्देश्य सही होना चाहिए, कोई भी कार्य करो प्रयोजनम मंद मनोदिश्य मंदोपीन प्रवर्तते, बिना प्रयोजन में मूर्ख क्या गधा भी कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर जो भागवत कथा हो रहा है उसमें हमारे क्या उद्देश्य बताओ? हर साल करते हैं, क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो यही है सज्जन, हमारे शरीर समय शक्ति और सामर्थ्य ये 4 वस्तु को
हम सदुपयोग करने के लिए सुजोग मिलता है। क्या क्या चार वस्तु हमारे याद रहा? क्या क्या महाराज बोलते काल पूछेंगे, मैं तो अभी अभी पूछता हूँ, फिर भी बोलने का। शरीर, समय, शक्ति और सामर्थ्य। शरीर क्या है? शरीर का वास्तव उपयोग होगी भागवत कथा में श्रवण करोगे। समय कहां भी समय दे सकते, अभी अगर जो लोग यहां नहीं बैठ करके वहां पर बैठते हैं शराब की दुकान में टीवी के सामने या कुछ भी करते हैं तो ये समय उनका बर्बाद होती है, लेकिन हमारे समय बर्बाद नहीं होता, उल्टा वरिष्ठ बनता है, बड़ा बनता है, नित्य जगत में स्थान मिलेगा। शक्ति, शक्ति मतलब हमारे मन का बल, शरीर का बल, ये सब कुछ भी अभी पूरा पूरा भागवत कथा में विनियोग होती है, सदुपयोग होता है। और सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या है? जो शरीर शक्ति समय देकर के रोजगार किया, अपना स्वाधिकार, पैसा बोलो, चावल बोलो, दाल बोलो, जो तुम्हारे पास है, किसने भोजन कर दिया, सबको लगाया, भोजन खिलाया, प्रसाद खिलाया, समझो जो प्रसाद खिला रहे ना, वास्तव सेविंग अकाउंट तो वही है, वास्तव सेविंग अकाउंट वही है जो भागवत कथा में कुछ ना कुछ सामर्थ्य का व्यवहार करते हैं। तो ये चार प्रकार की वस्तु को सदुपयोग होती है हमारे भागवत कथा के द्वारा। हमारे उद्देश्य तो वही है और कुछ नहीं है। तो महाराज जी जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इतने बार यहाँ पर आते हैं, अभी मठ भी बन गया, ठाकुर जी भी पधारे और आप लोग इतने लोग भी भक्ति के साथ जुड़ गए, केवल एकमात्र उद्देश्य वही है हमारे शक्ति शरीर सामर्थ्य समय को हम सदुपयोग करें। क्योंकि शरीर ऐसा वस्तु है, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है, हम लोग हमारा समझते मूर्खामी के कारण, लेकिन वास्तव में शरीर हमारा नहीं है, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है। पिताजी कहता है शरीर मेरा है, बीज प्रद पिता, पिता बीज प्रदाता है शरीर का, इसलिए पिताजी डिमांड करता है शरीर मेरा है, क्लेम करते हैं। लेकिन माता जी कहते हैं कि मेरा शरीर का ब्लड से, खाना से, खून से बना हुआ है, शरीर मेरा है, लेकिन सब क्लेम करते हैं। कोई 8 घंटा के लिए खरीद करके शरीर को लेता है, 500 रुपया देता है, वो मालिक उस समय क्लेम करता है शरीर मेरा है, और बाकी घर संसार में खुद जो भोजन, कितने लोग शरीर को मेरा कहता है, लेकिन वास्तव रूप में विचार किया जाए शरीर किसका बताओ? कोई प्रॉपर्टी किसका होता है? अंतिम समय में जिनका काम में आता है, लकड़ी पेड़ पैदा हो गया जंगल में, किसी बिजनेसमैन ने काट करके लाया, फर्नीचर बना, स्टोरेज रखा, स्टोरेज किया, किसी ने कारपेंटर ने फर्नीचर बनाया, और बिजनेसमैन ने शोरूम में रखा, लेकिन अंतिम में जो खरीद करके लेगा और उसको यूटिलाइज करेगा, बैठेगा, तब ये लकड़ी किसका माना गया? उनका है, लास्ट में जिनका काम में आएगा। लेकिन वो लकड़ी कुछ दिन के लिए भी जंगल का था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, कुछ दिन के लिए कारपेंटर का था, कुछ दिन के लिए बिजनेसमैन का था, कुछ दिन के लिए, लेकिन पूरा पूरा कॉमन प्रॉपर्टी है। लेकिन विचार किया जाए तो प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा किसका बना? लकड़ी किसका बना? जिन्होंने लास्ट में जिनका काम में आया। अभी बताओ भाई, शरीर को तो कोई कितना दिन रखता है, लेकिन शरीर का लास्ट किसका काम में शरीर आएगा? शरीर जब लास्ट पीरियड पे किसके काम में आएगा? किसके काम पे आएगा? गिद्ध, सियार, भेड़िया जिसको बोलते हैं, कुत्ता, आग लगेगा तो राख बना देगा, नहीं तो कुत्ता पूरा खा लेगा, नहीं तो सब लोग भंडारा करेंगे उन लोग। तो शरीर उनका है, रियली देखो तो शरीर उनका है, इसलिए भगवान ने शरीर को बड़ा मजबूत नहीं बनाया, स्टील में नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा गठन किया गया
केवल इंटेंशन है कि तुम शरीर को भजन में लगा लो, और भोजन जितना लगाओ शरीर का बाहर देखो कितना आयरन दे करके कितना सफाई करके कपड़ा पहना हो, एक दिन पहना तो दूसरा दिन को गंदा करके ही छोड़ता है ना, और थोड़ा ज्यादा साफ करके आपको देता है रिटर्न देता है, गंदा करता है कि नहीं? आप लोग का शरीर को तो चिन्मय होगा होगा, लेकिन मेरा शरीर तो ऐसा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई शरीर का बाहर देखो, जितना पॉलिश करो, जितना फेस मेकअप करो, जितना ब्यूटी पार्लर जाओ आ जाओ, दो घंटे के बाद बच्चे तो मैंने देखा कि कितने क्या करते हैं, उसको सफाई करते बड़ी मेहनत से सेटिंग करके रखते हैं, चार घंटा ज्यादा से ज्यादा जथा पूर्वम तथा परम, चार घंटा ही ऐसा संभाला जाता है, बाकी फिर चलो ब्यूटी पार्लर को। लेकिन कुछ भी कर लो भाई शरीर का बाहर गंदा है, जितना जो कुछ दो वो खराब ही करेगा, और अंदर का मामला बड़ा गड़बड़ी भाई, जितना फल खिलाओ रावड़ी खिलाओ मालपुआ खिलाओ वो टट्टी पिसाव करके ही निकालेगा बिल्कुल, और कुछ नहीं निकालेगा। शरीर इतना गंदा है भाई, शरीर यदि इतना गंदा है, सारी शास्त्र ने सारी पुराण ने ऋषि मुनियों ने ये शरीर को क्यों दुर्लभ बताया, ये शरीर को क्यों वेरी रेयर बताया, क्यों क्या कारण है? कारण इसलिए ये शरीर का गठन ऐसा है, ज्यादा खाओ इंडाइजेशन हो जाएगा, ज्यादा सो जाओ कमर में दर्द हो जाएगा, कुछ भी ज्यादा कर नहीं सकते खाना पीना रहने में, और आदमी तो ज्यादा से ज्यादा खाएगा सोएगा, बस आहार निद्रा भय मैथुन ये चार चीज ही करेगा शरीर के द्वारा, और कुछ नहीं कर सकता, कुछ कर सकता है? और वही चार जितना भी कर डालो भाई सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर उसके लिए नहीं आया। हाथी के साथ तो कंपटीशन कर सकते आप लोग खाने में, मयूर के साथ सुंदरता में तुम जितना सुंदर हो या सुंदरी हो, मयूर के साथ अगर खड़ा किया जाए मयूर को और तुमको भी नंगा खड़ा किया जाए, दोनों से किसको ज्यादा लोग देखेंगे भाई? पूरा पूरा सच्ची बात ये है, शरीर हमारे किसी प्रकार की काम का नहीं है, जागत का क्रिया के लिए खाने के लिए दो चार इडली खाया तब तक खत्म, अब पेट भर गया और नहीं। हाथी तो कितना टन टन खा लेता है हा? और खाने में पीने में सोने सोएगा तो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे सोएगा, गरिला जैसा सो सकता है क्या? नहीं सो सकता। शरीर का गठन इसलिए हुआ कि केवल भजन के लिए, नर तनु भजन का सार, नर मनुष्य का शरीर इसलिए भगवान ने दिया कि भाई ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, इसलिए उसको मेंटेन करो। मेंटेन समझते हैं ना, गाड़ी को मेंटेन करते हैं, ऑयल डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, सफाई करते हैं, मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं कि बैठने के लिए केवल, नहीं, हमको लक्ष्य स्थल में पहुंचाने के लिए, तो इसलिए शरीर को मेंटेन करो खाना पीना रहने का, लेकिन उद्देश्य रखो लक्ष्य रखो हासिल करने का। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है? हाँ, वृंदावन जाना, चलो वृंदावन थे। शरीर का केवल वही लक्ष्य है कैसा कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो, उसके लिए ही हमारे शरीर विनियोग होना चाहिए, और बाकी जो काम में विनियोग करो खतरा ही खतरा है भाई, हमको दोष नहीं देना, भगवान ने इस प्रकार बनाया। तो सनातन गोस्वामी पाद ने भी चैतन्य चरितामृत में कथा आता है, झारखंड दे करके जब जगन्नाथपुरी में जा रहे थे तब तो रास्ता में कुछ दूषित पानी पी लिए, तो शरीर में बड़ा काचू, क्या बोलते हैं हिंदी में, खुजली बीमारी को होती है, जो कि शरीर पूरा नशा निकल जाता है, रस निकल जाता है, क्या कोड़ खुजली, खुजली कोड़ बीमारी हो गया, जो कि शरीर चारों तरफ फैल गया और वहां से रस निकलने लगा। सनातन गोस्वामी ने सोचा सहजे ये शरीर मुसलमान का सेवा किया
अधम जाति, अधम शरीर और ऐसे बीमारी जगन्नाथपुरी जाके करूंगा क्या? लेकिन फिर मन में आया कि नहीं नहीं, सनातन गोस्वामी पाद सोच रहे जगन्नाथपुरी जाने से एटलीस्ट ये सौभाग्य मिल जाएगा, जगन्नाथ जी को तो हर समय दर्शन कर नहीं सकते क्योंकि अंदर जा नहीं सकते, लेकिन बाहर जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा में और स्नान पूर्णिमा में आएंगे तब दर्शन करूंगा और इतना ही कर सकता हूँ ये शरीर के द्वारा। जब रथ यात्रा में ठाकुर जी आएंगे, जगन्नाथ जी निकलेंगे, उनको दर्शन करूंगा, चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करूंगा और शरीर जो शरीर को रथ की पहिया के नीचे विसर्जन कर दूंगा। प्राण जब यही पुरुषार्थ साधन हो सकता है, शरीर को रथ की पहिया के नीचे विसर्जन कर सकता हूँ। और गए हरिदास ठाकुर जी जहाँ रहते थे सिद्ध गोकुल मठ में, उनके साथ में रह गए। चैतन्य महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर जाते थे समुद्र स्नान करने के लिए, लौटने के समय हरिदास ठाकुर जी को दर्शन करके आते थे। क्यों? क्योंकि जाने के समय दर्शन कर लेते नहीं करते। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि दुनिया में ये लोग सोचेंगे, दुनिया के लोग सोचेंगे कि हरिदास ठाकुर जबलपुर में पैदा होने के कारण महाप्रभु ने उनको दर्शन करने से अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए समुद्र में पवित्र होने के लिए स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन महाप्रभु उसको बदला दिए, कहते हैं कि समुद्र स्नान से भी ज्यादा पवित्र काम क्या है? वैष्णव का दर्शन। इसलिए समुद्र में स्नान करके हरिदास ठाकुर जी को दर्शन करके लौटते थे। उसी दिन जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे हरिदास ठाकुर जी के पास, हरिदास ठाकुर जी उनको प्रणाम किया, तो दूर से सनातन गोस्वामी पाद प्रणाम करते हैं। सनातन गोस्वामी पाद को देख करके हरिदास ठाकुर बोले, महाप्रभु सनातन प्रणाम कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, बाबा रे आज तो महाभाग्य हो गया, सनातन का दर्शन मिल गया। दौड़ दौड़ करके गए सनातन गोस्वामी पाद को आलिंगन करने के लिए। लेकिन भक्त की दैन्यता कैसे देखो, सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, मोरे ना छुई प्रभु पड़ो तुम्हार पाय, एक जीव जाति अधम आर कन्नुरा सगाय। कहते हैं, हे प्रभु आपको मैं आपका चरण पकड़ करके माफी मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरा शरीर को आप मत छुइए। एक तो जवन का सेवा किया हुआ अपवित्र शरीर, अधम शरीर, और शरीर में कंडू रस है, आपका इतना बड़ा अप्राकृत कलेवर हमारे शरीर को स्पर्श करने से आपका शरीर आपका शरीर में रस लगेगा, हमको खराब लगेगा। प्रभु जी मैं पैर पकड़ता हूँ, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु गए सनातन गोस्वामी पाद को आलिंगन किए और उनको पूछा, सनातन गोस्वामी का पाद का मन की विचार उन्होंने जान लिए कि शरीर त्याग करने के लिए उन्होंने जगन्नाथपुरी आया, शरीर को कैसे विसर्जन कर दो। मैंने एक जगह कथा के लिए गया था, उनका बेटा बेटी का शादी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि प्रभु जी एक बात बताए, हमारे मृत्यु कब होगी, मृत्यु कैसे जल्दी होगा, क्या करने से। मैंने बोला, धिक्कार तुम्हारे जीवन को, क्यों ऐसा पूछ रहे हो। वो बोले कि देखो प्रभु जी हमारे सारी काम अभी खत्म हो गया, मरने के लिए इंतजार हो। मैंने पूछा कि बहु सता रहे क्या। बोले नहीं नहीं प्रभु जी, लेकिन मरना चाहता कुछ है नहीं, काम और क्या करूं। मैंने बोला भजन हो गया भाई, शरीर मिला हरि भजन किए और शरीर को लेकिन बेटा बेटी का शादी करा दिया, संसार बना लिया, तो आदमी सोचता है बहुत कुछ हो गया, सारी काम हो गया। बाबा रे, हाँ कोई व्यक्ति ने हमको पूछा था, महाराज जी हमने नौकरी किया, पढ़ाई किया, नौकरी किया, सैलरी मिला, किसके पास गया नहीं, किसका अन्याय किया नहीं, किसके प्रति व्यवहार खराब नहीं किया, लेकिन अभी बेटा बेटी को पढ़ाया, नौकरी में लगा दिया, सब कुछ काम सेटिंग कर दिया, संसार अच्छा बन गया, परिवार अभी लाइफ स्मूथ बन गया, अभी मैं मरूंगा मेरा गति कहाँ होगी। मैंने बोला, तुम्हारे गति डायरेक्ट एंड रियल रोड टू हेल,
तुम्हारे गलती सीधा सीधा नरक को ही होगा। महाराज जी मैंने कुछ भी बिगाड़ा नहीं किसका। मैंने बोला भाई तुम तो दूसरे का किसका बिगाड़ा नहीं, तुमने अपना ही बिगाड़ दिया ना। भगवान शरीर दिया था भजन करने के लिए और तुमने शरीर को लगा दिया संसार में, भजन नहीं किया तो बताओ बिगाड़ा कि नहीं अपना। हाँ तो इसलिए भजन करना चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद जब शरीर विसर्जन करने के लिए मन में सोचा था, ये संकल्प को चैतन्य महाप्रभु ने जान लिया। तो महाप्रभु ने बताया सनातन, सनातन को महाप्रभु बताते हैं, देह त्यागे कृष्ण न पाइए भजने, कृष्ण प्राप्ति उपाय कर नहीं भक्ति मेरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु बोले कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अचिराते पावे तबे कृष्ण प्रेम धन। सनातन ये कुबुद्धि को छोड़ो, श्रवण कीर्तन करो, क्योंकि भक्ति के बिना कृष्ण प्रेम के बिना जीवन वृथा है, और कृष्ण भक्ति के बिना भजन श्रवण कीर्तन के बिना ही कभी कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए सनातन तुम ये कुबुद्धि को छोड़ दो, सही बात है। और महाप्रभु बोले अगर शरीर के नीचे जीवन त्याग करने से कृष्ण मिल जाते तब तो मैं शरीर को हजार बार त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जाता, लेकिन क्या करूं शरीर छोड़ने से ही कृष्ण प्राप्ति नहीं होता है। भाई कोई सो गया तो उठने के बाद बंगला बोलेगा क्या हिंदी जानने वाला व्यक्ति? जो व्यक्ति हिंदी जानता है सो करके जब उठेगा बंगला बोलेगा न हिंदी बोलेगा? हिंदी बोलेगा। क्यों? सोने के उठने के बाद कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आएगा? बदलाव नहीं आएगा भाई। अगर सोने के बाद निद्रा के बाद भी बदलाव नहीं आता, महानिद्रा के बाद भी बदलाव कैसे आ जाएगा? इसलिए भाई समझ लो, जीवन जब है तब जीवन को बदलाओ, नहीं तो ऐसा मत सोचो बूढ़ा बन गए बुढ़ी बन गई सखिया आ गई मर जाएंगे तो बस चलो हो गया शांति मिल जाएगा। शांति बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। जैसा सोने वाला व्यक्ति उठने के बाद वहां से ही शुरू करता है, जो पढ़ता है जो लिखता है जो कुछ काम करता है, मरने के बाद जब उठोगे ना दूसरा शरीर मिलेगा वहां से ही शुरू होगा। इसलिए तुम ऐसा मत समझो। इसलिए उनको कहा जाता है निद्रा, उनको कहा जाता है महानिद्रा। निद्रा में केवल एक पलक के लिए आदमी मरता है, कुछ घंटे के लिए, और मरने के लिए तो खुद जाता है रजाई फोड़ करके चलो चलो निद्रा के लिए, लेकिन पता नहीं महानिद्रा के लिए क्यों डरता है, खुद नहीं जाता। जमराज आएंगे तो भी दूर भागेगा। क्यों भाई? भागवत नहीं पढ़ते ना इसलिए, क्योंकि भागवत क्या वस्तु पता है? भागवत नहीं कि आर्ट ऑफ लिविंग देने के लिए शिक्षा, भागवत है आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डेथ, मरने का कला सिखाती है, कला सिखाती है भागवत, मरने के लिए प्रस्तुत करता है भागवत। भागवत ऐसा वस्तु है जो शरीर त्याग करने से पहले सारी प्रस्तुत कर लेता है। इसलिए कहते हैं जीवन लाइफ इज ए प्रिपरेशन और डेथ इज एग्जामिनेशन। जीवन को प्रस्तुत करो मरने के लिए। मरो मरो सबको कहे, मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने को एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना नहीं होए। एक बार तो ऐसा मरना चाहिए कि फिर आगे जाकर मरना नहीं पड़ेगा, और नहीं तो शरीर को पूरा पूरा कंस्टेंट और परमानेंट रखने के चाहोगे तो भी रख नहीं पाओगे, और प्रिपरेशन नहीं करोगे तो भी जमदूत तो खींच करके ले ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि शरीर इस जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने, जगत में
शरीर को कभी परमानेंट मत समझो, लेकिन परमानेंट नहीं है इसका मतलब नहीं कि शरीर को नेगलेक्ट भी करो, शरीर का जत्न लो। क्यों? उसी शरीर के द्वारा जो काम बनाना चाहिए कर लो, क्योंकि भगवान ने स्वयं दिया हुआ शरीर है, इसलिए प्रॉपर्टी कमन भी नहीं है। वास्तव रूप से विचार किया जाए, शरीर किसका प्रॉपर्टी है? सियाल गिधड़ का नहीं, जो केवल खाता है पीता है शरीर को हृष्ट पृष्ट बलिष्ठ करता है उनका शरीर का प्रॉपर्टी है, उनका शरीर का दावेदार कौन है? कुत्ता गिधड़ सियाल आग है। लेकिन जो शरीर के द्वारा भजन किया जाता है वो शरीर तो भगवान का प्रॉपर्टी है, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु ने बताया, क्या बोले? प्रभु कहे तो मार मोर रे जधन तुम्हें मोते करिया छो को महाप्रभु ने बताया, तुम्हार शरीर है अमार निज धन, तुम्हारा ये जो शरीर है वो मेरा प्रॉपर्टी है, क्योंकि तुमने हमारे सामने समर्पण किया। इसलिए जो लोग गुरु ग्रहण किए ना, तीन कंठी डालते हैं ना, क्यों तीन लाइन कंठी क्यों डालते हैं? बस गया महाराज जी, कितने बार बोले सब भूल गए, पालतू नहीं, वो तो एक थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में हो जाता है, लेकिन पक्का बात है वही है। पालतू कुत्ता मतलब कुत्ता का मालिक जैसा एक बन जाता है, काय मन वाक्य में तीन, काय मतलब शरीर से, मन से, वचन से। ये जैसा जो गाय पशु किसको बेचा जाता है उसको क्या किया जाता है, वो ये आदमी उसको बांधेगा, पकड़ के लेगा अपना घर में। तो इसलिए हम लोग गर्दन दिखाते हैं किसको? गुरुदेव को। किन को? गुरुदेव को। और गुरुदेव कंठी डालते हैं, यानी आज से तुम मेरा हो, तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हारे शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं। अगर तुम विनाश करने के लिए चाहोगे तब तो तुम्हारे धर्म अधर्म विचार नहीं। सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु कहते हैं अन्य द्रव्य के न चाह विनाशित, ये तो दूसरे का धन है, मेरा प्रॉपर्टी है। तुम इतना धर्म अधर्म विचार कर नहीं पाते हो, प्रधानमंत्री थे, मेरा प्रॉपर्टी को तुम खत्म करने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर के द्वारा हमारे बहुत साधन होगा। तो इसलिए गुरुदेव को समर्पण करने के बाद शरीर के द्वारा काम करना है तो किन की काम करना है? गुरुदेव की सेवा ही करना है, तब तो देखना ये प्रॉपर्टी ठीक प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है। अगर तुम शरीर को दिया नहीं तो बनेगा दूसरे का प्रॉपर्टी। किसका? सियाल गिधड़ कुत्ता
कभी कभी मनुष्य तो पूरा असहाय है, मरने के बाद कुत्ता क्या काटेगा, जिंदा तो काटता है, चलने वाला कुत्ता, चलने वाला आदमी को भी कुत्ता काट देता है, और मरने के बाद काट लिया तो बड़ी चीज क्या है भाई। हाँ हम तो भूख तो होगी, तो इसलिए जमाना ऐसा हो गया, अगर कुत्ता का प्रॉपर्टी देना है, बना बढ़ाना है तो खिलाओ पिलाओ बढ़ाओ सुलाओ बस करो, लेकिन अगर गुरुदेव का प्रॉपर्टी को पालन पोषण करना है तो भगवान की प्रॉपर्टी बनाना है, शरीर को पूरा पूरा क्या करो समर्पित करो, तो बनेगा तो गुरु वैष्णव की प्रॉपर्टी बनेगा, धन ये शरीर बड़ा धन है, बनेगा तो भगवान की प्रॉपर्टी बनेगा, और करेगा तो फिर ये प्रॉपर्टी किसका सेवा में लगेगा, फिर भगवान की सेवा में। और समझ लो कुंती महारानी ने बताया, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्त कर देता है तो भगवान का वो इतना प्रिय बन जाता है ना, आदमी तो प्रॉपर्टी खरीद कर प्रॉपर्टी रखता है पास में, लेकिन जब तबीयत खराब होती है, कुछ शरीर खराब हो जाती है, किसी काम के लिए भी विपत्ति में फंस जाता है तो प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करता है, धन को लगाता है, लेकिन भक्त भगवान के ऐसा प्रॉपर्टी है चाहे कितना विपत्त में खुद फंस जाए लेकिन भक्त को कभी यूटिलाइज नहीं करते, उल्टा जरूरत पड़े तो भक्त की सेवा करते, जरूरत पड़े तो भक्त की सेवा करते, प्रॉपर्टी को यूटिलाइज नहीं करते। लेकिन हमारे शरीर दुनिया में तुम जितना चाहे जिनका सेवा में लगाओ, शरीर को चाहे पत्नी की चाहे बेटा की चाहे बेटी की चाहे पति की, शरीर को ब्लड को तुम्हारे पूरा चूसेंगे और अंतिम समय में ये जवाब देंगे तुम क्या किया हमारे लिए। लेकिन किंग बहुना प्रयास हो, अगर ये शरीर को भगवान की सेवा के लिए एक बार भी फूल उठा के शरीर के द्वारा भगवान को अर्पण करो, चाहे तुम भूल जाओगे मैंने फूल दिया था, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलेंगे। तुलसी तुलसी जल मात्रेण जले न चुलकेश विकृणित स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। उल्टा उन्होंने तो समर्पण करता है, समर्पण मतलब अलग चीज होती है, खरीद बेचना अलग चीज होती है, समर्पण मतलब कभी कभी पाखी को हो जाता है, कभी कभी कृत्रिम हो जाता है, शरणागति कितने प्रकार की होती है ना। पाखी का मतलब हम गुरुदेव हम तो आटा जी को आपको दे दिया लेकिन चाबी हमारे पास है, ट्रेजरी का चाबी हमारे पास है लेकिन गुरुदेव ट्रेजरी तो आपके पास है, ऐसे नहीं चलता। ये है पाखी का मतलब, थोड़ा सा समर्पण करते हैं, लेकिन भगवान जो भक्त लेकिन पूर्ण शरण समर्पण होते हैं, भगवान उसको अपने को बेच देते हैं, उन्होंने समर्पण करेगा लेकिन भगवान अपने को उनके सामने बेच देंगे। विकृणित स्वात्मानम, इसलिए समझ लो जीव तुम छोटे आत्मा है, बाराग्र शतभागस्य, छोटा सा मन है, छोटा सा समय है, छोटा सा शक्ति है, छोटा सा 6 फुट का शरीर है, हाथी जैसा शरीर होता तो अभिमान करो तो अलग चीज है, 6 फुट का कहाँ का शरीर है, और बुद्धि भी छोटा है, सब कुछ छोटा है, लेकिन तुम अर्पण कर दो भगवान को, ब्रह्म को। ब्रह्म कौन है, ब्रह्म का अर्थ क्या पता है, ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मण बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात्, यानी जो खुद बड़े है और दूसरे को बड़ा बनाता है। तुम छोटी चीज को दे दो, देखना भगवान अपने से भी तुमको बड़ा बनाएंगे और तुमको तुम्हारे पास अपने को बेच दे। कभी आनाम समर चलम, भगवान कहते मेरा तो पूजा करो अर्चन करो लेकिन मेरा भक्त का समर्पण करो, अत्यंत रूप से सम्यक रूप से अर्चन करो। इसलिए सज्जन ये शरीर को सामर्थ्य को शक्ति को, और यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी थे सनातन गोस्वामी पाद बोले, भागवत क्या बोलेंगे उसमें मैंने फंस गया, सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने बताया, देखो तुम्हारे शरीर के द्वारा, तुम्हारा शरीर मोर प्रधान साधन, ये शरीर साधिमो आमी बहु प्रयोजन, तुम्हारे शरीर
हमारे प्रधान साधन है, मेरा बहुत सारा प्रयोजन तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं सिद्ध करूंगा। इसलिए जिन्होंने शरीर को अपना मानते हैं वो आदमी फंसता है, जिन्होंने गुरुदेव का मानते हैं तो गुरुदेव उसी शरीर के द्वारा बहुत कुछ साधन कर देते हैं, अपना प्रयोजन उसी शरीर के द्वारा साधित करते हैं। गुरुदेव में क्या सेवा करो ये करो, गुरुदेव में क्या करो ये कर लो, गुरुदेव की प्रयोजन साधित होते शरीर के द्वारा तब मंगल होती है। तब ये सनातन गोस्वामी पाद के शरीर के द्वारा महाप्रभु ने बृहद भागवत अमृतम, और क्या ग्रंथ है, कितने कितने भागवत की सारी टीका, वैष्णव तोषणी टीका, दामोदर अष्टक की दिग्दर्शन टीका आदि अनेक अनेक जगत को महार्घ अवदान किए, जो कि चैतन्य महाप्रभु कृपा के द्वारा उनका प्रयोजन साधित हुआ। तो हरिदास ठाकुर जी वहां थे, उन्होंने बड़ा अच्छा बात बोले, बोले देखो महाप्रभु जब चले गए, बोले आपका बड़ा सौभाग्य है, देवता भी बता नहीं सकते, आपका शरीर को महाप्रभु ने अपना धन बनाया, लेकिन मेरा शरीर को देखो। सनातन हरिदास ठाकुर जी कहते आमार एई देह प्रभुर कार्जे न लागिलो, भारत भूमि ते जन्मी एई देह व्यर्थ गेलो, लेकिन मेरा शरीर कैसा, सनातन भारत भूमि में जन्म लिया, मनुष्य शरीर भी मिल गया और महाप्रभु के शरणापन्न भी हो गया, लेकिन उनकी सेवा नहीं करने के कारण ये शरीर व्यर्थ चला गया। लेकिन महासनातन गोस्वामी पाद कहते हैं हे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, कोई तो जगत में नाम का प्रचार आचरण करते तो प्रचार नहीं करते, आचार करे न कहो ना करे प्रचार, प्रचार प्रचार करे न कहो ना करे आचार, आचार प्रचार यही दुई कार्य, तुम्हें जगतेर बंधु जगतेर आर्य। हे प्रभु ए सनात हरिदास ठाकुर जी, आपका शरीर तो कोई जगत में आचरण करते हैं प्रचार नहीं करते, और कोई प्रचार करते तो आचरण नहीं करते, लेकिन आप हरि नाम की प्रचार भी करते हो और खुद हरि नाम करते हो, इसलिए आपके शरीर के द्वारा महाप्रभु तो और अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं। इसलिए शरीर को तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करे दान, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करे दान, बल पवित्र हो स्वर से हो तो त्रिविध कल्याण, हो तो त्रिविध कल्याण, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। शरीर का अगर पवित्र बनाना है इस प्रकार गंदा शरीर को तो सेवा कर लो, और धन को पवित्र करना है तो दान ही दे दो, और मन को अगर पवित्र करना है तो हरि भजन करो। हाँ, तो इसलिए ये शरीर समय शक्ति और सामर्थ्य को अगर सही उपयोग करना है तब तो भागवत की कथा सुनना है और भागवत की सेवा करना है। इतना बोल करके मेरा वाणी को मैं विराम देता हूँ। वंचा कर कचरे भक्त कृपा सिंधु भय वच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णव अभी हम लोग एक माला जप करेंगे, क्योंकि भागवत का जो सार है ठाकुर का नाम है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ करते हैं वो ठाकुर का नाम द्वारा ही प्रारंभ करते हैं, और जब भागवत को विश्राम देते हैं वो ठाकुर का नाम को द्वारा, मतलब है ये भागवत का जो सार ठाकुर का नाम। ये दुनिया में देखना भले ही तुम जो कुछ करना करो, लेकिन जब अंतिम समय आएगी जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, बोलो जोर से, यही बोलेंगे ना बेटा जितने तुमने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया है केवल वही तेरे साथ में जा रहे हैं, इसके बगल जगत में सब कुछ झूठा है। पिछले जीवन का सार ठाकुर का नाम है। हम बैठ करके 5 मिनट एक माला जप करेंगे। देखो जिनको पास में माला वो माला नहीं ले, कभी जिनको पास में नहीं माला वही ले, अरे माला देने के लिए नहीं दे रही, वापस देना हमें ये माला, कोई लेगा नहीं पाप लगेगा, ये माला हमें वापस देना। अभी 5 दिन तक हम लोग एक एक माला जप करेंगे, इसलिए माला वापस दे देना, ठीक है। जिनको पास में पहुंचेगा तो अच्छी बात है, जिनके पास में नहीं पहुंचे मेरे साथ में सबके सब नाम जप करना,
फटाफट दो चार व्यक्ति को दे दो, इधर बच्चों को दे दो, इधर बच्चों को दे दो। ये छोटे बच्चों को मत दिया करो, छोटे बच्चों को मत दिया करो, बड़ों को दो, छोटे बच्चों को मत दो। अरे फटाफट दो, आप क्या कर रहे हो, आप भी दो, इधर ले आओ, उधर आ जाओ। अरे जिनके पास में नहीं उन्हें ही दो, पीछे पीछे चले जाओ। माइक पीछे भाई, कौन पाई गंजर गंजर प्रभु, गंजर प्रभु पे पीछे कहां, गंजर प्रभु पे, गंजर प्रभु पे पीछे पीछे जाओ। हरे कृष्णा, पीछे जो वहाँ सड़क पर एक 008 नंबर की गाड़ी खड़ी है, वो हटा ले वहाँ से गाड़ी, और जिसकी मोटरसाइकिल और बाइक जो भी खड़ी है वो सारा आगे ले जाके खड़े कर दे उनके, क्योंकि वहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था होगी। जो भी यहाँ बैठे हैं मेरी बात सुन रहे हैं वो वहाँ चले जाएं, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी बाइक, अपनी साइकिल और एक कार खड़ी है 008 नंबर की, वो भी वहाँ से हटा लें। हरे कृष्णा, आज के जो प्रसाद में सेवा है श्रीमती लता गर्ग शिवंगर, और दूसरे हैं श्री राजकुमार मित्तल जी और उनकी पुत्र वधु सोनम मित्तल, वो जल्दी यहाँ पर आए और गुरु जी आशीर्वाद लें। सोनपाल जी, सोनपाल जी जहाँ भी हों एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं, यहाँ पर आकर के ठाकुर जी उनको आशीर्वाद दें, खूब फलते फूलते रहे। कहते भागवत की सेवा में एक अन्न की दाना अगर कोई दे ना प्रभु जी, एक अन्न की, अरे बोल, एक अन्न की जो दाना देते हैं किसी जीवन में, घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ती है। इसलिए जिन लोगों ने प्रसाद दिया है ठाकुर जी, हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी खूब माल देते रहे, खूब फलते फूलते रहे, जीवन में सुखी और शांति में रहे। हरि बोल, कौन आ गए, बाइक वाले, स्कूटी वाले, साइकिल वाले, कृपया साइकिल हर बाइक हटा ले वहाँ से, एक गाड़ी खड़ी है UP 17 008 नंबर की, वो वहाँ से उसे एक साइड कर दे। हरे कृष्ण, सब समय हो गया तुम्हारी पहन लो। और कौन है प्रभु जी, और कोई है, ए राहुल और कौन है, फटाफट जल्दी आओ प्रभु जी, कोई नहीं गुरु जी, बच्चे आ रहे हैं, लो इसको पहना था, पहना था। वो बच्चों को भी पहना था। हरे कृष्णा, अब लोग मेरे साथ साथ में हरिनाम करो, मेरे तरफ में देखो, जो लोग नए हैं, जो पुराने लोग तो उनको पता है, जो नए हैं ये अंगुल को हम इसमें टच नहीं कराते हैं, क्योंकि जो अंगुल है वो गंदा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता है। हम कहते हैं ना, हम तुमको देख लेंगे, इसलिए ये अंगुल को इसमें स्पर्श नहीं कराना। आप लोग मेरे तरफ पे देखो, पीछे के तुम्हारे लिए फिर पे आप भी लो। हरि बोल, पहले पहले पहन आप भी पहन लो। हरे कृष्णा, आप मेरे तरफ में देखो, जैसे ये बीच वाले अंगुली में रख, उसको ऊपर रखना, और ये सुमेरु है, ये सुमेरु मतलब राधा कृष्ण का स्वरूप है, ये एक एक मोती नहीं और एक एक गोपी है, जैसे राधा कृष्ण को बीच में रख कर के ये रास कर रहे हैं। इसलिए ये नाम करने से पहले एक बार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, इसको एक बार बोल करके खैर खैर सबके सब ये हरे कृष्ण, उसमें तीन नाम है, हरे कृष्ण और राम। बोले इसका मतलब क्या, हरे मतलब होता है हमारे दुख कष्ट को जो हरे, इसलिए उनका नाम हरे। कृष्ण मतलब ये मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकती है,
अब क्री बोलते ही ये चंचल मन को जो भटकने नहीं दे, इसलिए उनका नाम क्री, मतलब आकर्षण करना। स्ना मतलब होता है आनंद देना, मतलब भटकते हुए मन को भटकने नहीं देना और आनंद देना। मतलब राम मतलब क्या है, मतलब जीवन में हमें जो आराम देते हैं, जीवन में हमें जो आराम देते हैं, इसमें तीन नाम है और ये नाम करने से आपको तीन फल मिलेगा। इसलिए अब लोग देखो यहाँ पर कितने भक्त बैठे हैं, कितने भक्त है कि प्रभु जी 600 करीब हैं, 600 करीब, 600 करीब करीब भक्त लोग बैठे हैं। लेकिन जब हम एक बार नाम जप करेंगे सभी की आवाज सभी के कान में जाएगा। इसलिए माला तो एक करेंगे लेकिन फल मिलेगा 600 माला जप करने का फल मिलेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को जब भक्त लोगों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। महाप्रभु बोले देखो मैं सबका घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसकी घर में करते हो, बोले जो लखपति बनेगा, जो लखपति बनेगा। उसी समय में लखपति कोई साधारण बात नहीं था, आज से 550 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण भर हो। भक्त लोग ने कहा प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप तो लाख की बात कर रहे हो, फिर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे। महाप्रभु ने सबको बुला करके समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हुए। हाँ मेरे तरफ में देखो अब लखपति कैसे बने हुए, देखो मेरे तरफ में जैसे ये माला है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके ना उसमें एक मोती सरकाते हैं, फिर दो बार बोल कर दो मोती। देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया, 16 बार हो गया। जब एक बार नाम जप किया 16 बार हो गया, इसमें 108 मोती हैं। जब ये समाप्त तो यहाँ पर हो जाए इसको ऊपर पार नहीं करते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं, फिर इधर से करते हैं। अगर इसे 16 राउंड अगर माला कर लिया हो गया 25,000, अगर किसने 64 माला कर लिया ना हो गया 1,00,000। ये भगवान खुद कहते हैं बोले तुमने 1,00,000 नाम नहीं जप किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिटी हो गया। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, कहते भैया ब्याज कितना मिलेगा, कहते दीन दीन बढ़त सवाए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 हरि नाम करेंगे ना कल तुम्हें 1,25,000 और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000 हो जाएगा और अंतिम समय में ब्याज समेत तुम्हें मिलेगी। ये धन अगर पत्नी करेगा ना पति नहीं ले सकता है, अगर पति करेगा पत्नी नहीं ले सकती है, बच्चे करेगा तो पिता माता नहीं ले सकते, पिता माता करेगा तो बच्चे नहीं ले सकते। लेकिन इस जगत का धन को तुम कमाते 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 मर जाओ, एक भी पैसा तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी, एक भी पैसा यहाँ से छू नहीं सकते। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे इसको बोलो थोड़ा माला जप करो, लेकिन लोग क्या कहते हैं जानते हो, बोले नहीं बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा कर रखो ना। मेरे गुरु जी कहते थे भैया बच्चों के लिए एकदम पैसा मत छोड़ो, जिसका बच्चा पिता ने जितने पैसा छोड़ कर गए वो उतना ही बदमाशी चोर शराबी जुआ शराब और नशाबाजी वही करता है। क्यों, उसने तो देखा नहीं पिता ने कितना कष्ट करके पैसा कमाया, वो चीज को देखा नहीं था, इसलिए उतना ही बर्बाद होता है। इसलिए बड़े गुरु जी कहते थे भैया ये धन को कमाओ, जो धन को कमाओगे तो इसी जीवन में तो तेरे को मिलेगा ही और अगली जीवन में ब्याज समेत तुम्हें मिलेगी। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। इसलिए क्या करना, रोज सवेरे उठ करके माला जप करना, ठीक है ना। इसलिए समझे सब मेरे साथ में जोर जोर से बोलना, जो बोलेगा उसका पाप तो उड़ जाएगी और जो नहीं बोलेगा ना ये सबका पाप उसका सर पर जाकर बैठ जाएगी। और सबके सब जोर जोर से बोलना, बोलोगे तो यहाँ पर 600 लोग बैठे हैं ना, अगर 6 से 12 अगर जोर से बोलोगे, जानते हो आज तुम्हारे नाम पर कितने पैसा बैंक जमा हुआ,
10 लाख, कितने 10 लाख रुपया, क्यों? सभी का आवाज सभी के कानों में जाएगी, और जितने जोर से नाम जप करोगे इसकी आवाज जितने दूर तक गूंजेगी ना, वहां के सारे दुख और कष्ट सबके सब खत्म हो जाएगी। इसलिए सबके सब मेरे साथ में जोर जोर से बोलना, जो नहीं बोलेगा उसका पाप तुम्हारे सर पर बैठेगी। इसलिए सबके सब जोर जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण सब आंख बंद कर दो, समझो वृंदावन में बांके बिहार जी के चरणों में बैठे। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मोदी सर के का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे माला पूरी हो गई ना, सबके सब माला वापस दे दो, कोई लेना नहीं था, आप लगेगी, जो लेना चाहे बाद में मैं उनको दूंगा, लेकिन दो चार भक्त खड़े हो जाओ, तो खड़े होकर के माला को वापस ले आओ। और आप लोग से प्रार्थना है, कथा में अगर टाइम से आओगे ना बढ़िया होगा, लेकिन देखता हूँ कुछ लोग तो पहले आ जाते हैं, लेकिन प्राय करके लोग लास्ट में आते हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना है, श्रोता हनुमान जैसे बनो, हनुमान जैसे श्रोता बननी चाहिए। हनुमान जी क्या करते हैं, कथा से पहले आएंगे और कथा को बाद में जाते हैं। हरे कृष्ण, सबके सब एक बार खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे। हरे कृष्ण महाराज, मुझे तो कोई पूछ रहा था, बोले अभी सब आंख बंद कर क्या सोच रहे थे, वृंदावन याद आ रहा था, कोई तो बीच बीच में देख रहा था, लेकिन एक दो लोग ऐसे तो है मैंने देखा, वो माला निकाल करके देख रहे थे, बड़ी वाला कब आएगा, बड़ा कष्ट मिल रहा था। और किसने पूछा कि बहू जी हम दो माला लेके एक बार में जप कर देंगे तो दो माला हो जाएगा ना एक बार में, तो ऐसा नहीं करना महाराज जी, ऐसा नहीं करना। हरे कृष्णा, बढ़िया भजन गाओ, नाचने वाले Radha, 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 Rad
Da 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 da
सेवा के बिहार तेरी आरती Oh.
की जय। बसी सुखदेव गोस्वामी की जय। बसी परीक्षित महाराज की जय। बसी सुतोष सोनकादि संवाद की जय। बसी बड़ौदावासी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री चक्र की जय। बसी गुरुपाद पद्म की जय। बसी बंसी वदन प्रभु की जय। जय जय श्री राम। श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज की जय।